धन्यवाद सर। इसके बाद 9:01 हो गया है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय सुधीर राज सिंह जी से कि आए सर, और आज जो हमारे सभी साथी जो लोग जुड़े हैं वो आज वी द पीपल का कंसेप्ट बताने का कष्ट करें। आदरणीय सुधीर राज सिंह जी। वी द पीपल का कंसेप्ट तो लगभग सब लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया। और आज जो परिहार साहब ने जो बात कही है वो बात मेरे साथ भी है। दरअसल मैंने अपनी जिंदगी में बचपन से अपने फादर के समय से देखा है। साहब काशीराम जब उधर आया करते थे फादर के पास में, तो वो उनको बड़ी मदद करते थे, क्योंकि बिजनेसमैन हमारी फैमिली रही है और दादा हमारे कबीरपंथी रहे हैं। मगर मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया मेरा मन किसी संगठन में लगा ही नहीं। जहां भी मैं गया काम करने के लिए, वहां मैंने सवाल किए और सवाल जैसे मैंने किए उन्होंने मुझे भगा दिया। जैसे भारतीय बौद्ध महासा जो महासभा है, उन्होंने हमको सेक्रेटरी बनाया, और सेक्रेटरी बनाने के बाद में वहां मीटिंग हुई तो मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई बाबा साहब ने संस्था बनाई है, इसमें कितने लोग हैं कितने नहीं हैं, मेंबर मुझे बताओ। उन्होंने मेंबर नहीं बताए, फिर भी मैंने ढूंढ ढांड लिए कितने मेंबर हैं। दिल्ली की बात हो रही है ये। वहां फिर एक सज्जन कहने लगे कि ये जो भारतीय बौद्ध महासभा है ये बड़ा एक विशाल बरगद है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, आपका विशाल जो बरगद का पेड़ है ये गमले में है, आप ना गमला नहीं देख रहे हो, आप विशाल बरगद देख रहे हो। तो उनको बुरा लग गया। तो उन्होंने कहा जी कैसे है। तो मैंने कहा जो मेंबरशिप आपने मुझे बताई है, कुल 135 फैमिलियां थी उसमें। क्या बोलते हैं, ये 20 साल पहले की बात है और आज भी ज्यादा नहीं है वहां। भाई 135 फैमिली टोटल हैं बाबा साहब के बाद में। आप दिल्ली में आप काम नहीं कर पाए, बाबा साहब की संस्था है तो आपने बाबा साहब का नाम डुबो दिया। फिर उसके टुकड़े भी हो गए बाद में। फिर ऐसे ही समता सैनिक दल के लोग आए, घर पे भी आए। मैं एक बार बीमार हो गया तो उन्होंने कहा था आप हमारे साथ काम करो। तो मैंने उनको कहा कि भाई काम करने का तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहते हो बाबा साहब की संस्था है तो आप टुकड़े क्यों कर देते हो। नागपुर का समता सैनिक दल अलग है, मुंबई का अलग है, दिल्ली में दो चलते हैं, बुलंदशहर में अलग चलता है, राजस्थान का अलग है। ये आप ना जरा थोड़ा समझो कि आप बाबा साहब की इज्जत करते हो या बेइज्जती। तो वो चले गए, बस हेलो हाय तो होती रहती है, मगर उनको बुरा लगा। एक बार बामसेफ में कुछ दिन काम किया तो मैंने बामन मेश्राम से पूछ लिया कि भाई ये अलग अलग जो संगठन है आप अलग अलग संगठनों की मान्यता क्यों देते हो, और आपने खुद क्यों अलग संगठन किया, आप क्यों खुद टूटे। भाई ये पूछना ही गुनाह हो गया, क्योंकि किसी से ये व्यक्ति से पूछ लो कि ये क्यों तोड़ा आपने, इसमें क्यों टूटा और आपने सहमति क्यों दी। जब आप हमको इकट्ठा कर रहे हो और हमको इकट्ठा करते हो तो क्यों सहमति है। झल्ली जी का एक कार्यक्रम लगा यहाँ, उन्होंने एक कार्यक्रम से लगाया, तो उस समय भी उन्होंने एक कार्यक्रम में बुलाया, हमने उनकी मदद भी की, सारे फोन नंबर वगैरह दिए पूरी दिल्ली के। तो उनसे कहा कि भाई देखो एक कार्यक्रम तो आपका अच्छा होगा क्योंकि विरोधी लोग आपके पास आएंगे, दूसरा नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं वो सब है। तो हमने सवाल किया कि भाई आप जब सबको इकट्ठा करते हो और फूले साहू अम्बेडकर की बात करते हो तो फूले साहू अम्बेडकर ने कब कहा कि अलग अलग हो जाओ या अलग अलग काम करना है, ये हमें समझ में नहीं आता। कई मंचों पे बुलाया, हर मंच पे हमने जाके यही कहा, बिना बिना डरे बिना निगवट के, क्योंकि कोई लालच नहीं मन में, तेरा प्रधान नहीं बनना हमें, तेरा सेक्रेटरी नहीं बनना, तेरा जनरल सेक्रेटरी नहीं बनना, तेरा मेंबर नहीं बनना, हम तो सबके मेंबर बनेंगे। फिर वो कहने लगे जी कि आप किसी संगठन में काम नहीं करते। मैंने कहा भाई वो बता दो जिसमें बाबा साहब ना हो, हम तो सारे संगठन में हैं। आप जहां बाबा साहब का फोटो होगा, जहां ज्योतिबा फुले का फोटो होगा, जहां बुद्ध का फोटो होगा, हम तो वहां जाएंगे। क्योंकि या तो तुम ये कह दो कि ये संगठन तुम्हारा है हम ना आए, और अगर तुम से वो सामाजिक कहते हो तो आएंगे और जाके वहां यही बात कहेंगे कि भाई कैसा सामाजिक संगठन है जो समाज के टुकड़े करता है। उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने कई बार बुला के बेइज्जती भी की, भगा भी दिया। संगठनों में टुकने का तो था ही नहीं, तो कहीं काम करने का मन ही नहीं हुआ, क्या करें क्या ना करें। बहुत कोशिश की कि कोई चीज ऐसी बन जाए, नहीं बनी। अब तो खैर हम मौत के कगार पे आ गए हैं और अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो सारे संगठनों को भी हमने खुशामद की, उनकी पार्टियां भी लगाई, उनको उनको बुलाया भी, उनकी दावत भी की, उनको हाथ भी जोड़े, उनके पैर भी जोड़े, उनको रिक्वेस्ट भी की, उनको अल्टीमेटम भी दिया, मगर संगठनों ने भी कोई बात नहीं मानी और ना ही उन्होंने कोई ये कार्यक्रम चलाया। हाँ वो डर जरूर गए, वो इस बात से डर गए कि भाई, क्योंकि हमने ये कहना शुरू कर दिया था कि भाई अगर संगठन सारे इकट्ठे नहीं होते हैं तो आप उनको उनके यहाँ जाना छोड़ दो, उनको पैसा देना छोड़ दो, उनसे बात करना छोड़ दो, और उनको कहो कि भाई पहले आप खुद संगठित होके आओ तब हमको संगठित करना। तो वो डर गए। डरने के बाद में उन्होंने कईयों ने कहा कि भाई आप खुद संगठन बना लो, आप खुद संगठन बना लो। हमने कहा भाई हम क्यों संगठन बना लें,
हम चार आदमियों का संगठन बना के अपना राइट क्यों खोएं? अगर हम संगठन बना लेंगे तो फिर तुम हमसे कहोगे अरे तुम भी, तुम्हारा भी संगठन है हमारा भी संगठन है, तो संगठन संगठन में क्या, वो जो उनसे कहा कि भाई संगठन संगठन में क्या अंतर है, वो हमारा राइट क्यों खोए? हम तो पब्लिक हैं, हम तो वी द पीपल हैं, हम तो सब संगठन को कहने का राइट रखते हैं। उनको कहेंगे, बार बार कहेंगे कि भाई तुम हमारा नुकसान कर रहे हो, तुम बाबा साहब की बात नहीं मान रहे हो। तो बहुत कोशिश की लोगों ने कि वो कैसी ना कैसे करें, तो सारी जगह जाके वही बात हुई। फिर मरता क्या ना करता तो यही सोचा कि भाई देखो संगठन भी नहीं मान रहे हैं, संगठन सुन भी नहीं रहे हैं, नेता भी नहीं सुन रहे हैं, नेता हमें भाव नहीं देते हैं, उन्हें सिर्फ हमारा वोट चाहिए, हमारा पैसा चाहिए, हमारा समर्थन चाहिए, हम उनका झंडा उठाएं, बाकी उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो फिर लास्ट में ये समझ में आया 2 अप्रैल 18 घटना से, और उससे पहले भी समझ में आ गया था कि भाई नेताओं को छोड़ दो, संगठनों को छोड़ दो, जो उनके प्रताड़ित लोग हैं यानी हमारे जैसे लोग हैं और जो आप जैसे लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनको कहते हैं कि देखो नुकसान हमारा हो रहा है, हमें बचना है तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, वो हमें नहीं इकट्ठा होने देंगे। ये बात हमें समझ में आ गई, और जब ये बात समझ में आ गई तो हमने फिर इसकी वीडियो बनानी शुरू की। टीम 22 पे आप सब जानते हो कि उसमें बाबा साहब के गद्दार, अंबेडकर के दुश्मन, बुद्ध के दुश्मन, ऐसे करके वीडियो बनाई, और वो लगातार जारी है। उस वीडियो का बहुत सारे लोगों के मन में ये बात थी कि भाई हमको सबको इकट्ठा होना है, बहुत सारे क्या लगभग नेताओं को छोड़ के हर व्यक्ति के दिल में ये बात है कि हमको इकट्ठा होना है, क्योंकि जो कॉमन मैन है, जो साधारण मैन है, जो सीधा साधा आदमी है, वो तो इतना जानता है कि इकट्ठे होंगे तो हमें फायदा होगा, मगर वो मजबूर है, वो परेशान है, क्योंकि अकेला क्या करे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं जी क्या करें क्या ना करें। तो बस ऐसे ही कुछ लोग यहाँ आने शुरू हुए, ऐसी बातचीत हुई, और बातचीत में पता चला कि ये तो हर एक के दिल का है, सबके दिल का यही हाल है कि हम मरने वाले हैं और हमको इकट्ठा होना है, ये आइडियोलॉजी सबको पता है, मगर इकट्ठे कैसे हों? तो ये जो वी का लोगो है, ये वी का लोगो ले लिया, ये बनाया कि भाई इसको लगा लो, इससे एक आइडेंटिटी बनेगी हमारी और हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। तो अभी हमारी पहचान के रूप में ये जो WE है, ये हमारा सिंबल है, दरअसल ये हमारी पहचान है कि अगर आपके DB पे, अगर आपके घर पर, अगर आपकी कार पर, अगर आपके स्कूटर पर, अगर आपके बच्चों के कहीं किताब पर, या आपके कहीं तस्वीर में या फोटो में या बैकड्रॉप में अगर ये लगा हुआ है, तो हमें दूर से पता चल जाएगा कि आप भी हमारी तरह और हम भी आपकी तरह वो लोग हैं जो परेशान हैं, मगर एक ही समाज के, समण समाज के लोग हैं। तो बहुत सारी बातें हुई तो लोगों ने आरोप लगाना शुरू किया, अरे तुम तो भैया नेतागिरी कर रहे हो, हम लोगों को यहाँ लगाते हैं, सवाल भी पूछता नहीं आदमी। तो हम कह रहे हैं भाई हम नेतागिरी नहीं कर रहे, हम तो इकट्ठे हो रहे हैं, मगर तुम नेतागिरी कर लो भाई, हम थोड़ी नेतागिरी करने आए हैं, तुम इकट्ठे करो, तुम्हारा काम है, तुमने लिया काम, तुम्हारा काम हमें करना पड़ रहा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हम तुम्हारे काम को कर रहे हैं और तुम हम पे आरोप लगाते हो। तो नेता हमने संविधान बनाया तो उनको यकीन नहीं होता कि नेता संविधान है, क्योंकि उन्होंने तो संविधान को कभी नेता माना नहीं और ना वो संविधान को नेता मानने वाले हैं, वो तो अपने आप को नेता मानते हैं। रात को सो के उठते तो CM, और सुबह को जब सो के उठते तो PM की वो पूरी शपथ लेके उठते हैं, सुबह के सपने में उनका यही काम है, उनका ये काम नहीं है कि CM और PM के चक्कर में हम मारे गए। तो ये चीजें उनको कहीं समझाई, कहीं किसी को समझ में नहीं आता। कोई भी हमारा जो जो हमारा खैर खुआ है, जो हमारा लीडर है या नेता है, छोटे से लेके बड़े तक, कोई काम नहीं करता। वो दुनिया के अंदर जितने भी लीडर होते हैं वो अपना काम भी करते हैं, अपनी रोजी रोटी का काम करते हैं, अपने बच्चों का पेट भी पालते हैं और सोशल सर्विस भी करते हैं। एक भारत के अंदर ये कैसा सिस्टम है, खासतौर से हमारे लोगों में, कि वो सोशल सर्विस में पैसा इकट्ठा करते हैं और अपना खर्चा चलाते हैं। मतलब एक तो कोड़ है और ऊपर से खाज है, एक तो हम पहले ही गरीब और परेशान है, ऊपर से उनका खर्चा भी समाज के ऊपर है। चलो समाज खर्चा देता भी है, ऐसा नहीं है कि समाज ने खर्चे नहीं मना किया है, सबने खर्चा दिया है, सब संगठन चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, मगर कितने संगठन चलाएगा समाज, कितने संगठनों में जाएगा समाज। अभी यहाँ क्या हो रहा है कि अभी सीजन चलता है तो 14 अप्रैल को सब अपनी अपनी पर्ची काटने आ जाते हैं। अरे भाई आप एक 14 अप्रैल मनाओ तो ग्रांड 14 अप्रैल होगी, उसमें करोड़ों लोग आएंगे, जैसे दीक्षा भूमि में एक कार्यक्रम लगता है तो वहां हजारों लोग, लाखों लोग आते हैं, वैसा कार्यक्रम होना चाहिए हर शहर में, वो नहीं करते, इतनी समझ नहीं है, क्योंकि पर्चियां अलग अलग काटने के लिए उनकी तनख्वाह, उनका पैसा खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ सब लोग अपने अपने बिहार, अपने अपने अम्बेडकर भवन, अपने अपने भवन बनाते हैं, तो हर जगह से मैसेज आता है, अरे भाई आप हमारे लिए पर्ची काट दो, हमारी मेहनत करो, ये खाता नंबर है, आजकल तो ऑनलाइन हो गया तो खाता नंबर वगैरह भेज देते हैं, जितने हमारे न्यूज वाले, चैनल वाले, यूट्यूबर हैं, वो सब अपना खाता भेज देते हैं, उनका कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। जितने भी समण समाज के संगठन हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, उनके दिसंबर में सबके अधिवेशन लगते हैं, तो उनके अप्रैल में, अक्टूबर में, नवंबर, उससे पहले सारे के सारे लोग
आते हैं, अच्छा उन्हीं के पास आते हैं जो देते हैं, जो देता नहीं है उसका तो फंड कट गया, वो तो बात ही खत्म हुई उसकी। तो जो बेचारा देता है वो परेशान हो जाता है भाई किस किस को दे और किस किस को मना करे। ऑफिस में अलग कार्यक्रम है, घर पे अलग है, बाहर अलग अधिवेशन है, तो पैसा बर्बाद हो रहा है, दरअसल रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर 20 अगर आदमी अलग अलग एक ही जैसा अधिवेशन लगाएंगे तो 20 जगह पैसा जाता है, 20 जगह टेंट लगता है, 20 जगह खाना होता है, 20 जगह लोग आते हैं, 20 जगह जाते हैं, और फायदा कुछ नहीं है क्योंकि वो 200-200 आदमी, 100-100 आदमी, 150-150 आदमी इकट्ठे होते हैं, कहीं 500-700 होते होंगे, कहीं 1000 से ज्यादा नहीं है। तो ये जो लोग हैं अगर ये सारे एक साथ हो जाए इकट्ठे तो ये 6 गुने हो जाएंगे। अब आप कहोगे 6 गुने कैसे हो जाएंगे? देखो 6 गुने ऐसे हो जाएंगे क्योंकि अगर 20 संगठन हैं और 20 संगठन अलग अलग काम कर रहे हैं तो उनके मनोबल टूटे हुए हैं, जो लोग घर बैठ गए उनके, मतलब अगर वहां पे सारे मिला के उन 20 संगठनों में 2000 आदमी इकट्ठा हो रहा है तो कम से कम 12000 आदमी ऐसा है जिसका मनोबल टूट चुका है और जो ये कहता है भाड़ में जाए, मुझे क्या लेन देना है, ये समझते नहीं, और ऐसे लोग थक के बैठ चुके हैं, अलग बैठ चुके हैं। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग जिन्होंने जीवन लगा दिया वो बैठ गए क्योंकि कुछ होना नहीं है, दिखाई देता है कुछ नहीं होना। तो फिर सोचा कि भाई देखो अगर बाबा साहब की आइडियोलॉजी जानते हो, बाबा साहब को मानते हो और ये समझ में आता है कि संगठित होना है तो नेताओं का क्या मुंह देखना है, नेता तो नेता है, इनकी कोई कमाई का साधन है नहीं, ये तो परजीवी हैं, हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो चाहे कितना ही छोटा हो, उसके कोई काम नहीं करता, वो कहीं कोई नौकरी नहीं करता, कहीं कोई उसकी इंडस्ट्री नहीं है, कहीं कोई वो साइड में वर्क नहीं करता। विदेशों के अंदर तो नेता अपना साइड में वर्क करते हैं, उनका काम होता है कोई ना कोई, तो यहाँ ये नेता सारे परजीवी हैं। तो ये हुआ कि भाई क्या करें, तो हम खुद ही कर लेते हैं, तो ये तय हुआ खुद करेंगे तो कैसे करें, तो नियम क्या रहे, तो भी संविधान के सारे नियम उठा लिए जो विनय पीठक में संघ के नियम होते हैं, क्योंकि संघ के नियम तो भिक्षुओं के लिए होते हैं मगर संघ में उपासकों के नियम भी हैं, उपासिका के नियम भी है, यानी 4 तरह के नियम होते हैं विनय पीठक में, जो टीचर हैं भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ तो उनके अलग हैं और जो उपासक संघ और उपासिका संघ है तो उसके अलग हैं, तो वो नियम ले लिए, अच्छे नियम है, तो उस पर काम करना शुरू किया। उसी के नियम के तहत मैं ये जो आज एक वीडियो बनाया जिसमें लिखा हुआ है कि पराठा अचार वो इसलिए है क्योंकि कल जो दिल्ली में मीटिंग होने वाली है उसमें बड़े प्रश्न आ रहे हैं, कई लोगों ने कहा जी कि हम तो सब्जी लेके आना चाहते हैं, हम तो बढ़िया खाना लेके आना चाहते हैं। अरे भाई एक दिन बढ़िया खाना मत खाओ, दरअसल क्या है कि खाना जो होता है वो राग होता है, मन का राग इसलिए होता है कि अगर कहीं आप खाना खा रहे हो और कोई खाना बहुत अच्छा खा रहा है तो उसके मुंह में पानी आएगा, लालच आएगा, तो उसका मन खराब हो जाएगा, तो मन खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए संघ में बुद्ध ने सब खाना इकट्ठा करके उसको मिक्स करके एक साथ स्वाद करके भिक्षुओं को खाने की परंपरा डाली ताकि मन में किसी के भेदभाव ना आए, तो समाज में भी नहीं आना चाहिए। तो समाज की जो परंपरा है उपासक संघ की वो ये है कि खाना एक साथ इकट्ठा होना चाहिए और वो खाना चाहिए, तो सस्ता खाना होना चाहिए। हलवाई से बहुत महंगा पड़ता है, हलवाई का जो खाना है 200 रुपये पर प्लेट पड़ता है आप अगर लगाओगे, क्योंकि हलवाई की फीस ही 3-4 हज़ार रुपये होती है, ऊपर से खाना लेके आओ, और ये खाना फ्री में आ जाएगा। आप खाते हो 4 पराठे तो बनाने हैं, 10-12-15-20 रुपए के रोज के आपके पराठे बनते, लेके आने हैं और चाय से लेके आने हैं। तो ये परंपरा इसलिए बहुत अच्छी है कि इसमें भाईचारा रहेगा, इसमें एक सा खाना रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ये छोटे 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 नियम जो हैं वो हमको इकट्ठा कर देंगे। तो जो जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, वो बहुत पुरानी है, बुद्ध से भी पुरानी है, बुद्ध ने भी वही फॉलो की है, बुद्ध से पहले हमारे लोग करते थे, हमारे दादा परदादा करते थे, वही हमको निकाल के लाना, उसी से हम जीत जाएंगे। इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम आगे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम परेशान हुए हैं, इन्हीं छोटी छोटी बातों से हमारा सब कुछ गया हुआ है, हमारा भाईचारा चला गया, बहुत सारी चीज़ें हमारी चली गई जो हमारे समाज में इतनी ज़्यादा कोड़ के रूप में हो गई। छोटी छोटी घटनाओं ने हमको अलग कर दिया, छोटी छोटी घटनाओं से हम तो छोटी छोटी घटनाएं हमको जोड़ भी देंगी। इसलिए जो जोड़ने और जुड़ने का जो कार्यक्रम है इसमें मन से होना चाहिए। तो यहाँ विदा पीपल में बहुत तरह के लोग आ रहे हैं और बहुत तरह के लोग आएंगे और जाएंगे, मगर यहाँ जो स्टेबल रहेगा वो रहेगा जो अपनी जिम्मेदारियों से चिंताओं से मुक्त होगा, नंबर एक, जिसको यहाँ सिर्फ देना देना है, नंबर दो, और जो संघ की परिभाषा समझता है और जो समझता है कि परिवार इकट्ठा रहता है तो कितनी बड़ी ताकत होती है। परिवार में कोई भूखा नहीं सोता, अगर 100 लोग हैं और 100 लोगों में 90 के पास खाना हो, 10 के पास खाना ना हो और परिवार इकट्ठा हो, तो वो 90 लोग आपस में खाना इकट्ठा करके फिर 100 लोगों में बंट सकता है। तो ये बहुत बड़ी परिवार की ताकत होती है कि परिवार एक दूसरे के दुख दर्द को समेट लेता है। परिवार इकट्ठा रहता है तो उस परिवार में कोई खुदकुशी नहीं करता, कोई उसमें आत्महत्या नहीं करता। जब से हमारे परिवार अलग बंटने शुरू हुए हैं तब से लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति ज्यादा आ गई है। जरा सी कोई परेशानी आती है, परिवार इकट्ठा होता नहीं है, वो उसमें फंस जाता है और मर जाता है। तो ये छोटे से परिवार की कहानी है, कुनबे की है। तो बड़ा परिवार अगर इकट्ठा होगा तो हम तो बहुत तेजी से स्वस्थ हो जाएंगे, बहुत तेजी से अच्छे हो जाएंगे, बहुत तेजी से एक दूसरे से मिलेंगे,
अभी एक भाई ने कहा कि मैं नागपुर जाऊंगा, नागपुर रहूंगा, तो नागपुर जब वो दशहरे पर जाएंगे तो उनको कहा कि भाई रमेश खटके जी मिलेंगे वहां, श्याम तागड़े जी हैं वो मिलेंगे, नागपुर के और साथी मिलेंगे, आपको कोई दिक्कत है तो वहां उनके फोन नंबर मिलेंगे, तो वहां जाके आप आराम से रह सकते हैं, आपको इस बार विदा पीपल का लोगो भी मिलेगा, टेंट भी मिलेगा, तो आप वहां जाके रहिए, वो तो पूरा फैमिली होती है, पूरा विदा पीपल ही होता है वहां, तो सारे सारे जितने भी लाखों लोग आते हैं विदा पीपल की फैमिली आते हैं, तो भाईचारा बढ़ेगा, तो भाईचारा बढ़ेगा तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी, हिम्मत बढ़ेगी तो सामने वाले की हिम्मत घटेगी, क्योंकि जब हमारी हिम्मत बढ़ेगी तो किसी की तो घटेगी, तो जो हमारा सामने वाला अपोनेंट है जिसने हमारी हिम्मत कम कर रखी है उसकी हिम्मत घटेगी, जब उसकी हिम्मत घटेगी और हमारी हिम्मत बढ़ेगी तो हमारे अधिकार भी बढ़ेंगे, तो हमारे जो अधिकार चलेंगे वो भी बढ़ेंगे, जब वो अधिकार बढ़ेंगे तो वो बचेंगे भी, तो वो हमें मिलेंगे भी, तो हमारा फायदा होगा, तो सबका फायदा होगा, इसलिए जो जुड़ने और जोड़ने का जो काम है ये काम निरंतर निरंतर पहले होता रहता था, फिर उन्होंने खत्म कर दिया, जो लोग जुड़ने और जुड़ने से परेशान थे, जिनको ये पता चला कि जुड़ने जुड़ने से ये हेल्दी भी होते हैं और वेल्दी भी होते हैं, यानी इनके पास पैसा संपन्नता भी आती है, समृद्धि भी आती है, और इनके पास शारीरिक सुख भी आता है, तो जो व्यक्ति अकेला रह जाता है वो डरता है, वो दिन में भी डरता है रात में भी डरता है, और जो परिवार के साथ रहता है ना वो दिन में डरता है ना वो रात में डरता है, वो भंते हो जाता है, वो भंते का मतलब है जो भय का अंत कर देता है, तो वो भंते हो जाता है, तो भंते वही होता है जो परिवार के साथ अपने संघ के साथ रहता है, क्योंकि भय का अंत उसने अंत कर दिया है, तो ये जितनी भी चीजें हैं वो प्राकृतिक चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, इन पुरानी चीजों को समझते हुए हमें काम पे लगना है, अब हमारा जो समय आ रहा है वो ठीक ऐसे आ रहा है जैसे जो बारिश का पानी होता है जब वो रुक जाता है तो वो साफ होना शुरू होता है, क्योंकि विदा पीपल की आइडियोलॉजी जिनको समझ आती जा रही है उनको समझ के घर में नहीं रखनी है, उनको समझ के अपने पास नहीं रखनी है, जुड़ने और जोड़ने की इस बीमारी को आपने बिल्कुल ऐसे फैला देना है जैसे COVID-19 फैला हुआ है, अगर आप इसे COVID-19 की तरह फैला देंगे तो आप यकीन मानना कि 2-3-4 महीने के अंदर ही हम अपने सारे के सारे दुखों से बिल्कुल बेड़ा पार कर लेंगे, हमारा कोई दुख हमारे पास नहीं रहेगा, जुड़ते ही दुख चला जाता है, इस बात को आप ऐसे समझें कि जैसे कोई व्यक्ति किसी शहर में अकेला है और वो अकेला बैठा हुआ है, अपना काम करके आया और शाम को मायूस है, बिल्कुल मायूस बैठा हुआ है, थका हुआ है, मायूस बैठा हुआ है, और अचानक ही दरवाजा खुले और उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त अचानक आ जाए सामने, तो उसकी चेहरे पे प्रसन्नता देखो, यानी कि जो उसके काम की थकान थी और जो उसका दुख था वो एक साथ गायब है, इसको यहाँ 111 जो लोग बैठे हैं वो सब इसको महसूस कर सकते हैं, और इसको ऐसे भी महसूस कर सकते हैं कि जब वो सारे लोग जाते हैं तो वो मायूस हो जाता है, अरे भाई जा रहे हो थोड़े दिन और रुकते, एक आध दिन और रुकते, इतनी जल्दी क्या है, क्यों मायूस होता है, क्योंकि तो वो जानता है कि साथ रहने में सुख है, साथ रहने में बड़ा हैप्पीनेस है, बढ़िया है, तो फिर वो कहता है अच्छा जा तो रहे हो मगर फिर जल्दी आना दोबारा, कि हाँ ठीक है जल्दी आएंगे चिंता ना करो, और फोन करते रहना, ऐसा भी कहता है फोन करते रहना, कह रहे और कुछ तो कम से कम फोन पे बात होती रहेगी तो भी हमारा मिलना जुलना रहेगा तो खुशी रहेगी, इससे भी ज्यादा ताकत इस बात की होती है कि आप एक अननोन शहर में पहुंच जाओ, जैसे आप आज के समय अमरावती में पहुंच जाओ और अमरावती में आपको जाना हो और अमरावती में आप अकेले हैं और अमरावती में आपका पता चला कि अचानक वहां किसी ने आपकी पॉकेट मार दी और आपका पैसा चला गया, मगर अगर वहां आप रमेश कटके जी को जानते हैं, उनके पास में पूरी वहां टीम है, तो फिर वो आपका पैसा चला गया उसका आपको दुख नहीं हो सकता, क्योंकि रमेश कटके जी बैठे हुए हैं, आप उनको एक फोन करोगे, नहीं करोगे तो किसी का फोन लेके बोल दोगे, नहीं तो कहीं से नंबर लेके बोल दोगे, या उनके पास होगा उनसे कहोगे वैसे ऐसे मेरे साथ दिक्कत होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई काम नहीं रुकेगा, आप अपना काम करो और ये लो पैसे, हो जाओ अपना काम करो, घर जाओ तो भेज देना, नहीं भेज सको तो कोई बात नहीं, जब हो जब भेज देना, तो आपको अमरावती पूरा अपना शहर हो गया, वो पूरा अपना घर हो गया सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, तो एक एक व्यक्ति अगर आपको हर एक शहर में अपना मिल जाए विदा पीपल का तो पूरा देश आपका हो जाएगा, फिर आप भारतीय हो जाओगे, इस भारतीय होने से हमको बार 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 रोका जाता है, इस भारतीय होने के बीच में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे तो ऐसे नासमझ और बेवकूफ लोग आएंगे जो यहां भी आएंगे और जो मतलब उनके कोई अपने छोटे मोटे लालच होंगे, छोटे मोटे काम होंगे, उसके चक्कर में वो पूरे इस पूरे भारतीयता की एनर्जी को समझ नहीं पाएंगे, तो ऐसे लोगों को भी आएंगे, वो भी आगे चले जाएंगे, उनको भी देखना है, उनको भी समझना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने बहुत तेजी से काम करना है, तो कई लोग पूछते हैं जी काम कैसे करें, जुड़े जोड़ो कैसे, भाई अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो फिर आप रुक नहीं पाएंगे, और अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो आप चल नहीं पाएंगे, तो आप सबसे पहले इस विचार को समझें, इसको जाने और इसकी ताकत को पहचाने, और इसकी ताकत को पहचानने के लिए अंधेरे कमरे में एक बार बैठ के देखें,
अंधेरे कमरे में जब आप बैठेंगे तो आपको डर लगेगा, भय लगेगा अंधेरे से, और फिर आप अंधेरे कमरे में एक फोन किसी को कीजिए, अपने दोस्त को कीजिए और उससे बात कीजिए, जो आप अपने मनपसंद अपने जैसे साथी से जब फोन करेंगे, जो आपका साथी अच्छा है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कमरे में अंधेरा है और आपको डर भी लगा। इसलिए जुड़ना और जोड़ना आपके सारे भय का अंत है, और जिसके भय अंत हो जाते हैं, जो भंते हो जाता है वो कभी भी, या जो भदंत हो जाता है, भदंत का मतलब यह है जो भद्द पुरुष अपने भय का अंत कर देता है, जो भदंत हो जाता है, जो भद्द पुरुष हो जाता है, उस व्यक्ति को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। आप देखो यहाँ भिक्कू जुड़े हुए हैं, भिक्कू शांत हैं, उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं है, खाना मिल जाए ठीक है, ना मिल जाए तो कोई बात नहीं, जैसा मिल जाए खा लेते हैं, और फिर भी उनके चेहरे पे एक चमक रहती है और वो बिल्कुल खुश रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भय का अंत कर दिया और उनको पता है कि सारा समाज उनका घर है, कहीं भी जाके खड़े हो जाएंगे, भिक्षा उनको मिलेगी, पिंड उन्हें मिलेगा, खाना उनको मिलेगा, ना मिलेगा अगले घर में मिलेगा, ना मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो सब चीजों से मुक्त हैं, तो वो जुड़े हुए हैं पूरे समाज से और समाज को जोड़ने का काम करते हैं, तो उनके चेहरे पे नूर रहता है, चमक रहती है, उनका ग्लोरी रहता है चेहरा। और जिन लोगों के पास में बहुत सारा पैसा भी है, बहुत सारी बड़ी पोजिशन भी है, वो रात को फिर भी डरते रहते हैं कहीं चोर ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरे धन को कोई ले ना जाए, मेरी पोजिशन खराब ना हो जाए, मेरी पोस्टिंग ना चले जाए, डर डर के मरे रहते हैं, डर डर के जीत जीते रहते हैं, परेशानी रहते हैं, क्योंकि समाज से नहीं जुड़े हुए हैं, अकेले होते जा रहे हैं। जितना ज्यादा पैसा आता है, जितनी ज्यादा पोजिशन आती है, फिर रिश्तेदारों को भगा देते हैं, अरे ये रिश्तेदार तो मेरा पैसा लेने आया, फिर बाद में रोते हैं जब सारे रिश्तेदार चले जाते हैं, अकेला करेगा क्या, क्योंकि पैसा किसी के सुख की गारंटी नहीं है, पोस्ट किसी के सुख की गारंटी नहीं है, और ये परमानेंट भी नहीं है। परमानेंट तो आपका समाज, आपके साथी और आपका जो मनोबल है वो है साथ में जो रहता है, इसलिए इसको इकट्ठा करना है। इसकी ताकत अनंत होती है, परिवार की ताकत इतनी अनंत होती है कि परिवार में सिर्फ आप जाके चले जाओ, सारे दुख और दर्द भूल जाओगे आप, सारे काम हो जाएंगे। तो जुड़ने और जोड़ने की जिद इसलिए है क्योंकि जो 17 प्रकार के लोगों की बात शुरू में चली थी कि जिसके अंदर एक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अफसर होगा, जिसके अंदर एक हमारा वकील होगा, जिसके अलावा के पास एक इंजीनियर होगा, जो एक डॉक्टर होगा वहां पर, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर में होगा, जो वहाँ एक सफाई कर्मचारी होगा, जो वहां पर एक पुलिस वाला होगा, जो वहाँ एक स्टूडेंट होगी, जो वहाँ एक महिला होगा, ये जो महिला होगी, ये सारे सारे 17 प्रकार के जो लोग वहाँ कम से कम किसी एक डिस्ट्रिक्ट में जब मिलेंगे आप और इकट्ठे हो जाएंगे, इनकी एक यूनिट बन जाएगी, तो ऐसा कोई काम नहीं है सरकारी या गैर सरकारी, क्योंकि उसमें टीचर प्रोफेसर भी होंगे जो आपका ना हो सके। पुलिस का काम है तो आपका बंदा वहां होगा, वो पुलिस का काम करा देगा, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है तो वो आपको गाइड कर देगा, हेल्थ की समस्या है तो आपको वहां जो डॉक्टर होगा वो बता देगा कि कैसे होगी कैसे नहीं होगी, कोई टेक्निकल समस्या है तो इंजीनियर बता देगा, कोई वहां पे टीचर की समस्या है, प्रोफेसर समस्या है तो टीचर बता देगा, कहीं कोई यूथ है उसकी कोई समस्या है तो उसको सारे मिलकर सॉल्व कर देंगे, कोई महिला है तो वो बता देगी, जो किसान और मजदूर और जो हमारा सफाई कर्मचारी है वो सबसे नीचे के पायदान पे कमजोर लोग हैं, तो उनको मनोबल मिलेगा, उनको ताकत मिलेगी, आपको उनसे ताकत मिलेगी, उनको आपसे ताकत मिलेगी। ये सारा परिवार जब 17 प्रकार के लोगों का कम से कम इकट्ठा होगा, तो आप किसी भी जिले में चले जाइए, फिर वहां आपको अपना परिवार मिलेगा। और ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये दरअसल दुनिया में सब जगह चल रहा है, दुनिया के सारे कंट्रियों में, सारे देशों में चल रहा है, और हमारे भारत में भी चल रहा है। भारत में कैसे चलता है, आप पूरे भारत में जैन समाज में कहीं भी चले जाइए जहां जैन समाज की धर्मशाला है, आपको कुछ नहीं कहना, आपको सिर्फ ये बताना है कि मेरा नाम भागचंद पिंगोलिया जैन है, बस इतना बोलना है। वो वहां पर आपका नाम लिखेंगे और एक नॉमिनल शुल्क लेंगे 100-150-200 रुपए का, और वो कमरा आपका 3 दिन का 4 दिन का आपका कमरा हो गया, आप वहां रहिए, आपका पैसा बचा। फिर आप उनसे पूछिए कि यहाँ मुझे ये काम है, ये काम है, तो वो कहेगा फलाने जैन के पास चला जाना, फलाने जैन के पास चला जाना, वो आपकी मदद करेगा, वो आप वो सिर्फ जय जैनेन्द्र करेगा और उसका काम होना शुरू हो जाएगा। आप पूरे भारत में क्या, विदेश में भी किसी भी सिख को कहीं भी चला जाए, उसका जो गुरुद्वारा होता है, ऑलमोस्ट उन्होंने गुरुद्वारे बड़े बड़े शहरों में बना रखे हैं, उन्हें कुछ नहीं कहना, वो पगड़ी देखेगा, दाढ़ी देखेगा, सत श्री अकाल करेगा और जा कहेगा असि इतने आए हैं, और वो कमरा लेकर कमरे में रहेगा, एक नॉमिनल चार्ज रहेगा, और उसको वहां पूरा परिवार जैसा मिल जाएगा, कोई लड़का उसका जाएगा उसको भी मिल जाएगा। आप किसी अगर जो यहाँ और समाज चलते हैं उन समाजों की किसी धर्मशाला में चले जाइए, जैसे आर्य समाजी लोग हैं, आर्य समाजियों के सब जगह टेम्पल है, तो कहीं भी चले जाइए वो मिल जाते हैं, उनका उनका काम हो जाता है। मुस्लिमों की सब जगह मस्जिद बनी हुई है, आप कहीं भी चले जाइए उनकी मस्जिद में, क्योंकि उनका नेटवर्क है, तो उनकी मस्जिद में रुक सकते हैं, खा सकते हैं, वो अपने भाईजान भाईजान कह के अपने आदमी की मदद करते हैं, दुनिया में मदद करते हैं। मगर हम लोगों के बुद्ध विहार होते हुए भी, हम लोगों के अम्बेडकर भवन होते हुए भी, हम लोगों के कबीर भवन होते हुए भी, सतनामी भवन है, गार्ड के भवन है, दुर्बलनाथ भवन है,
जो संत शिरोमणि गुरुद्वारा के जो हमारे बने हुए हैं गुरुद्वारे या जो हाउस बने हुए हैं, हमारे इतने सारे जो डेरे बने हुए हैं, सबसे ज्यादा हमारे पास हैं, सबसे ज्यादा हमारे पास हैं, इतने ज्यादा हमारे पास हैं, मगर एक साथ नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, बस इसका नुकसान होता है। अभी क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश से जो हमारी जो एक बहन है वो आने के लिए कह रही है कि संडे को उनको आना है, वो कह रही है कि कहीं 2 दिन के लिए ठहरने का हो जाए, हमारे बुद्ध विहार में कमरे अभी बने नहीं, और जहां उनको रुकना है वहां से वो दूर हैं। तो हमारे पास दिल्ली में भी वो सिस्टम नहीं है कि हम दिल्ली में कहीं रोक सकें किसी को, और बाकी सबका सिस्टम है, पूरी दुनिया में सिस्टम चलता है, ईसाइयों के सिस्टम पूरी दुनिया में है, ईसाइयों ने पूरा पूरा करके बना रखा है, जो यूथ यूथ ईसाई करके है, और जो जो उनके मिशनरी हैं YBS करके बने हुए हैं, तो वो इतने सारे सिस्टम बने हुए हैं उनके, वो 50 रुपए में कपड़ा देते हैं, वहाँ हॉल भी होता है, पढ़ाई भी होती है, लाइब्रेरी भी होती है, सब कुछ होता है, खाना भी खिलाते हैं वो उसमें। तो ये सिस्टम हम क्यों नहीं डेवलप कर सकते, जबकि हमारे पास स्ट्रक्चर है, हर मोहल्ले में हमारा कोई ना कोई वाल्मीकि मंदिर है, कबीर मंदिर है, रविदास मंदिर है, कोई गुरुद्वारा हमारा है, सब चीज़ तो हमारे पास है, सिर्फ हमारी मेहनत नहीं है हमारे पास में, एक सोच नहीं है हमारे पास में कि हमें जुड़ना चाहिए और जोड़ना चाहिए। ये जुड़ने और जोड़ने का जो सोच है, ये पहले थी हमारी, जब हमारे 84,000 बुद्ध विहार जुड़े हुए थे, जब 84,000 चैत्य और स्तूप हमारे जुड़े हुए थे, ईरान से लेकर बर्मा तक अशोक ने सारे बनवाए, इतनी प्याऊ बनवाई, इतने उन्होंने हॉस्पिटल बनवाए, इतने उन्होंने जो जहां पे सराय थी वो बनवाई, वहां सारे लोग रुकते थे, वहां मुसाफिर भी रुकते थे, स्टूडेंट भी रहते थे, सब तरह के होते थे, खाना पीना भी मिलता था, सारी बात थी, वो कल्चर हमारी है, उस कल्चर को देख के ही, उस संस्कृति को देख के ही लोगों ने ये सब सीखा है, हमें भूल गए। उस भूलने का नुकसान ये हुआ कि हम किसी दूसरे शहर में जाते हैं, अब 10,000 रुपये खर्च करो, 5,000 रुपये खर्च करो, उसके बाद भी इनसिक्योरिटी रहती है, कौन बताए, कोई उल्टा रास्ता बता दे, कोई सीधा रास्ता बता दे, एक आफत दो आफत, कोई वहां जानकार नहीं, कोई पहचान वाला नहीं, और जानकार पहचान भी है तो उसके अंदर ये भावना नहीं है कि भाई कोई अपना भाई आया तो उसकी मदद करे, क्योंकि वो भावना जा चुकी है। तो वो जो फीलिंग है, वो जो भावना है, वो जुड़ने जोड़ने से आएंगी, और जुड़ने जोड़ने का काम घर से आरंभ होगा। जो व्यक्ति कहते हैं कैसे करें, भाई जो जहां है वो जुड़ने जोड़ने का काम शुरू करे, रिश्तेदारी में करे, ये घर से ही आरंभ होगा, अपने बच्चों से करे, मोहल्ले में करे, रिश्तेदारी से करे, और एक दूसरे को जुड़ता जाए और बताता जाए। तो कैसे बताएगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ डब्लू लगाना है आपने, डब्लू, ये डब्लू ई जो लगाया है, वी लगाते ही ये पता चल जाएगा कि ये अपने समण समाज का बंदा है, बस आपकी जानकारी बढ़ती चली जाएगी, ये डब्लू ई रिवोल्यूशन कर देगा, ये डब्लू ई हमको जोड़ देगा, डिजिटल नेटवर्किंग के जमाने में डब्लू ई आप लगा दोगे, वी द पीपल हो जाओगे, लोगों को मैसेज जाता रहेगा, समझदार होते रहेंगे। आप यहाँ कंप्यूटर पर जितने लोग बैठते हैं वो अपने पीछे डब्ल्यू ई लगाना शुरू कीजिए, जो ये मैंने लगा रखा है पीछे वो लगाना शुरू कीजिए, जिस भी जगह आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे वहां जितने आपको डब्ल्यू दिखाई देंगे आपको पता चल जाएगा कि हमारे लोग लोग हैं, जिस भी सराय धर्मशाला में या जहां मृत्यु भवन में जाएंगे अगर वहां डब्ल्यू लगा होगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ हमारे लोग हैं, जिस घर के आगे ये लिखा होगा वहां पता चल जाएगा, हम जुड़ने शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है, और हमें इसका प्रचार भी करना है कि भाई इसको लगाओ, अपने रिश्तेदारों में लगाओ, अपने उसमें लगाओ, वी द पीपल में जुड़ने का कोई पैसा थोड़ी है, पैसे का मामला तो बहुत पहले खत्म कर दिया, वी द पीपल कोई शुल्क नहीं लेता, कोई नहीं लेता, और वो ले भी नहीं सकता, क्योंकि संघ कोई पैसा नहीं लेता, संघ को पैसे की जरूरत नहीं है, संघ को तो लोगों की जरूरत है, क्योंकि संघ जो बनता है वो वी द पीपल से बनता है, अगर वी द पीपल ना हो, यहाँ 119 लोग है, अगर ये ना हो तो ये संघ नहीं है, फिर यहाँ मैं अकेला भाषण देता रहूं तो मैं एकल हूं, कोई फायदा नहीं है, यहाँ अगर सत्य परिहार जी अगर क्या बोलते भाषण देते रहे तो ये संघ नहीं है, संघ तो बन चुका है 119, और बाकी पूरे देश में अब बहुत ऐसे बढ़ रहे हैं। तो जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है वो समझ ले, और जो समझ गया है वो डब्ल्यू ई का इसको युद्ध स्तर पर लगाना शुरू करे और लगवाना शुरू करे, जबरदस्ती लगवाना शुरू करे, ठीक ऐसे जैसे कोई छोटा बच्चा होता है वो कहता है ये दवाई कर दी है मैं नहीं पी रहा, तो उसको पिलाई जाती है कि ठीक हो जाए, ऐसे ही आप अपने बच्चों के उस पे सब पे लगाओ। ये डब्ल्यू ई ऐसा है कि अगर आप कहीं भी कुछ कहोगे, पूछेगा कोई कि ये क्या है, तो आपने ये कह देना है कि ये वी द पीपल है, ये सिंबल है हमारा, ये संविधान का सिंबल है, और वी द पीपल अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको वी द पीपल ये वाला तो दिखाई नहीं देगा, अमरीका का वी द पीपल भरा पड़ा है, अमरीका में तो सब लोग वी द पीपल है, तो हम तो अमरीका से भी जुड़ जाएंगे, यहाँ भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम कहेंगे हम वी द पीपल है और वो भी वी द पीपल है, तो थोड़ी सहानुभूति तो रहेगी। ठीक वैसे जैसे हम जब बाहर जाते हैं और हम ये कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए, बुद्धिस्ट हैं, तो बुद्धिस्ट कंट्री हमको फायदा देते हैं, जो बात का कि आप हमारे गुरु के देश से आए हैं, जिस गुरु के आगे नतमस्तक होते हैं, वैसे ही जब आप वी द पीपल कहना शुरू करेंगे तो अमेरिका में आपको 10% इज्जत तो फ्री में मिलेगी, क्योंकि आप कहेंगे हम कहाँ से आए, कह रहे हम वी द पीपल से आए, और वो भी वी द पीपल है, उनके संविधान की लाइन वी द पीपल है। तो ये बड़े फायदे का काम है जो आगे जाके जुड़ के सबको होना है।
इतनी सी बात समझनी है, इस पर काम करना है और इसी को विचार को आगे बढ़ना है, और इसी विचार को अगर आप लेके चलेंगे तो हम बहुत जल्दी जीत जाएंगे, क्योंकि जिद है जुड़ने की। जुड़ेंगे तो जिंदा रहेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जहां जुड़ेंगे वहां जीतेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे, जितने जितने जुड़ेंगे उतने उतने जीतेंगे, आज जुड़ेंगे आज जीत जीत जाएंगे, 100 साल बाद जुड़ेंगे 100 साल बाद जीतेंगे, और जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक पिटेंगे, और खूब पिटेंगे और लगातार पिटेंगे और पिट पिट कर रोएंगे भी, और फिर अगर वी द पीपल नहीं होंगे तो फिर पिटेंगे, हो सकता है इस बार खत्म ही हो जाए। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने अपने बच्चों को बचाने के लिए जुड़ जाना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधीर राज जी, आपने कंसेप्ट बताया। हाँ नहीं, मैं देख रहा हूँ आप क्या बोलते हैं, तो आपने वी नहीं लगाया अभी अपने उसपे फेसबुक पे, उसपे डीपी पे वी नहीं लगा हुआ आपका? हाँ वी वो टेक्निकल है, मुझे इतना जमता नहीं, अभी बच्चे से लगाऊंगा। हाँ वो वी लगाओ तो अच्छा रहेगा। ठीक है तो अभी लगाऊंगा अभी। अच्छा सर, एक पुरानी बात बताऊं सर? हाँ बोलिए बोलिए सर। ये सुधीर सर की, तो ये ऐसा है कि मैं आपके है ना मतलब वीडियो देखा करता था यूट्यूब पे, है सुधीर सर? तो वो जो है ना फेसबुक पे मैंने जब आपको टीम 22, हाँ तो मैंने फेसबुक पे जब वो रिक्वेस्ट भेजी से लेकर आप तक देखते हैं, तो सुधीर सर जब मैंने रिक्वेस्ट भेजी ना तो वो मेरी शायद वो नहीं पहुंची होगी, लेकिन इत्तेफाक से मुझे गुलाब सिंह जी मिले 5 मार्च 2018 को, तो अच्छा। उन्होंने मेरा नंबर लिया और तक्षशिला में डाला, तो सर उसमें आप थे तक्षशिला वाले में। अब वो टीम 22 बदल के वी द पीपल हो गया है, अब सब वी द पीपल कर दिया मैंने। ठीक है, अब एक ही नाम चलेगा वी द पीपल, अब ऐसा ना इसी नाम को आगे बढ़ाएंगे तो ये नाम हमको आगे बढ़ा देगा सबको। हाँ, यूनाइट कर देगा सबको, ये मुक्ति का रास्ता है जी। लिंक में बोलते थे ना कि पराठे सब एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं आपके लिए। ना ना ना, देसाई साहब हाँ बोलिए बोलिए, मैं बाद में बात करूंगा सर, कोई भी आगे सर। ठीक है देसाई साहब, अपना माइक खोलिए। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। वो जो पीपल के वो बता रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप नहीं पहुंच पाए वहां पर। अभी तबीयत ठीक है आपकी? हाँ ठीक है। चलिए अच्छा है, आपकी तबीयत ठीक होना बहुत जरूरी है। 10 साल अभी आपने कम से कम और जो क्या बोलते हैं मेहनत करनी है कड़ी। जी जी। देसाई साहब सोमवार को मिलोगे क्या? अगर आऊं तो अगले सोमवार को। अगले सोमवार को, कमिंग सोमवार? अगले वाला नहीं है, यही वाला आ रहा है ना, इसको आने का प्लान है बड़ौदा, कल में मिल नहीं पाया ना आपसे। 27 तारीख को आ रहे हो ना आप? 27 को। हाँ सोमवार 27 को है। नहीं हाँ 27 को ही है। 27 को ही है? नहीं कहीं बाहर तो नहीं जा रहे, इसलिए पूछ रहा था। नहीं मैं 26 को बाहर हूँ, अहमदाबाद में हूँ। अच्छा हाँ, नहीं 26 को तो मैं ही बॉम्बे जा रहा हूँ, 27 को आने का पूरा। अहमदाबाद में जो बामसेफ का अधिवेशन है, राज्य अधिवेशन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसमें उन्होंने मुझे उद्घाटक के नाते बुलाया है, तो मैं वहां जा रहा हूँ। बराबर है। नहीं 27 को तो रहोगे ना बड़ौदा में? एक ही दिन का है। हाँ तो 26 को जा रहा हूँ, 26 में अहमदाबाद में किसी काम के लिए वहाँ रहूंगा, और 27 को अधिवेशन अटेंड करके रात को घर में आ जाऊंगा। ठीक है सर। तो 28 मतलब 28 टाइम भी एट होम। वो आपसे वो जब आप वहाँ स्पीच देंगे ना देसाई साहब, हाँ जी, तो वो आपसे कहेंगे कि जो आप बोल रहे हैं सबको इकट्ठा करने वाला, वो हमने काम शुरू कर दिया है, ऐसा बोलेंगे। नहीं, वो आप वो तो सब जो भी मेरे मन में है सब चीजें,
हाँ तो आप उनको ये कहना है कि भैया अगर आपने काम शुरू कर दिया है तो अलग अलग अधिवेशन क्यों लगा रहे हो आप। जी जी वो वही तो बात करनी है। हाँ हाँ वो और अच्छा कड़े शब्दों में करना बिल्कुल भी, जुड़ने वाली बात करनी है। हाँ बिल्कुल, और अच्छी तरह से क्या बोलते हैं बहुत दमदार शब्दों में रखना, कोई कहीं लीनियंट होने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास समय नहीं है, अब तो क्या बोलते सख्ती से कहना पड़ेगा सबको। जी जी क्योंकि जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, जहां हाँ, जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे। हाँ और अगर अगर इसके क्या बोलते अहमदाबाद के इसमें अधिवेशन में सारे लोग जुड़ते तो यही जीत जाते हम, तुम अलग अलग करते हो जुड़ते नहीं हो इसलिए हारते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल सही बात है, और इतना ये, पैसा खर्च करते और ये बिल्कुल नग्न सत्य है। हेलो हाँ वो ये बिल्कुल आप सत्य कह रहे हो, हम जुड़ते अलग नहीं अलग है। जी हमें सबको नेता बन जाना है, हमें सब अपना चौका लगा देते हैं। जी इसका अलग अलग संगठन होता है और सब चाहते हैं कि हम आगे बढ़ जाएं। सब सारे के सारे जब रात को सोते हैं तो सीएम बन के सोते हैं और सुबह उठते हैं तो प्रधानमंत्री बन के उठते हैं। सारे सीएम प्रधानमंत्री बनेंगे, सब लाइन में लगे पड़े। हमारा बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, सीएम होने प्रधानमंत्री होने, सबको नेता बनना है और आने वाले कल को अपने लड़के को भी बिठा देना है। वो तो पहले से तैयार करते हैं वरना संगठन तोड़ देते हैं। अगर मान लो उनके दो लड़के हो तो कहते दो प्रधान बन जाओ, दो संगठन कर दिया हमने तुम्हारे लिए। नहीं करे नहीं, समझदारी से काम लेना पड़ेगा। और एक बात और देखो साहब, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, उन्होंने बुलाया मेरे को तो मैंने सोचा ठीक है अपनी लोगों के सामने अपनी बातें रख देंगे सब। हाँ नहीं रखना है, जोरदार शब्दों में रखना है अच्छे और झरझोर के आना है अच्छी तरह से। जब तक हम उनको जगाएंगे नहीं, ये दरअसल ये नेता ये कहते हैं कि लोग सोए हुए हैं, लोग सोए हुए नहीं है नेता सोए हुए। क्योंकि मैंने पहले बहुत काम किया था ना बामसेप में, पुराने जमाने में बहुत काम करता था बामसेप का। अच्छा अच्छा बहुत काम किया है, इनको जानता हूँ मैं सबको। यही रास्ता है हमारे पास में, और कोई रास्ता नहीं है। जुड़ना है और जुड़ना है। सर जय भीम, नमो बुद्धाय टू ऑल रिस्पेक्टेड वी द स्पोक्स के मेंबर, सत्यवान फ्रॉम कलकत्ता। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लोग अब से पहले अपनी अपनी दुकानें, जैसे पहले आप बोल रहे हो कि 20 लाख 30 लाख संगठन बना लिए, अभी डेली ये व्यापार करते हैं, व्यापार करना बंद कर दे, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, सरकार बना ले, जो करना कर ले, खुली छूट होगी। अभी तुम्हारे व्यापार नहीं चल सकते इस ऐसे चलेंगे तो, डेली व्यापार की बात करते हैं, कोई कुछ हमें अभी इकट्ठा होना है मन से तन से धन से और सरकार बनानी है, बाबा साहब ने जो सूत्र दिया उस पे चलना है बस। थैंक यू। और खुद के तरक्की के लिए खुद ही प्रयत्न करना है। सुरेश चंद जी कहाँ गए? सुरेश जी हाँ सर, सर जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ आप तैयार हैं आज एंकरिंग आपकी और पंजाब वाले, जो अपने पंजाब वाले जुड़े नहीं अभी, जब वो आ जाएंगे तो वो कर लेंगे, वरना तो करमवीर सिंह जी हैं वो आपकी मदद करेंगे, कोई भी दिक्कत होगी। बाकी सब लोग अब तो परिवार जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरू करें। हाँ मैं अब पहली बार ही आज एंकरिंग कर रहा हूँ सर, और मुझे ज्यादा जानकारी भी नहीं है, जो भी कोशिश करूंगा सर, जब प्लेटफॉर्म पे आया हूँ तो सीखेंगे भी यहीं से। यहाँ सब आपकी तरह ही हैं, यहाँ कोई कहीं क्लास लेकर नहीं आया बाहर से। जय भीम नमो बुद्धाय मनोवर जी। जय भीम। माननीय सुधीर दास जी सर। जी जी सर। सर सुधीर, मैं ये कह रहा था सर कि आपने एक लिंक भेजा ना सर कि 11 नवंबर तक यही पासवर्ड रहेगा, यही मतलब जो आईडी रहेगी सर, ठीक है? यही रहेगा सर। तो सर ठीक, बाद में बीच में सपोज कीजिए कोई स्पोक की मीटिंग होने लगी और ये सेंड हमने कर दिया मान लो, है ना? तो स्पोक की मीटिंग का लिंक अलग होता है सर। लिंक आज लिंक चेंज है, आज जो लिंक है वो पहले वाली लिंक चल रही है हमारी। अच्छा उससे, अच्छा वो अलग हो जाएगा।
और जो कल वाली थी इसको का अलग अलग होता है। सर ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके ठीक है सर, थैंक यू। और सर इसमें जो है ना वो लिखा भी होता है कि ये केवल स्पोक्स के लिए है, इसको इस लिंक को बाहर ना भेजिए। हाँ स्पोक के लिए तो लिखा रहता है, लेकिन इसमें नहीं है, ये तो सामान्य वाली है के लिए, तो नहीं इसमें नहीं लिखा रहता। ठीक है मैं समझ गया सर, थैंक यू। स्पोक का लिंक एक घंटे पहले आता है बस। अच्छा ओके ओके ठीक है, थैंक यू। चलिए शुरू कीजिए, कहाँ गए सुरेश जी? सर जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। जैसा कि हम लोग 8 बजे से और लगभग 12-1 बजे तक हर रोज मीटिंग करते हैं और इस वी द पीपल के मंच पर हम लोग सब एकत्रित होते हैं, संगठित होते हैं, जुड़ते हैं और जोड़ने का काम हम लोग करते हैं, तो आज हम लोग पुनः एक बार इस मंच पर हैं। सभी लोग अपने अपनी सभी बात रखेंगे और अपना अपना परिचय देंगे, विषय पर हम लोग बात रखेंगे। तो सबसे पहले मैं उत्तराखंड से आमंत्रित करता हूँ, आज हमारे बीच में आदरणीय चंद्रभानु प्रकाश जी हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दीजिए। आदरणीय चंद्रभानु प्रकाश जी, जय भीम सर, सभी लोगों को नमो बुद्धाय। मैं चंद्रभानु प्रकाश उत्तराखंड से बोल रहा हूँ सर। सब लोगों को बहुत अच्छा, हमारा कार्यक्रम ये बहुत अच्छा चल रहा है, इससे हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग प्रयास कर रहे हैं सर सबको जोड़ने का, इसी तरीके से सब जुड़े, यहाँ हम भी प्रयास कर रहे हैं, तो इससे जो है सभी की जो हमारी मेन समस्या है, मूलभूत जो समस्या है वो तो नॉर्मल है, वो तो हमारी हो ही जाएंगी पूरी, परंतु इसके साथ साथ हमारा राष्ट्र निर्माण का कार्य अच्छी तरह से चलेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सभी लोगों को मेरी तरफ से। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय समता। धन्यवाद चंद्रभानु प्रकाश जी, आप जुड़े रहे और 9 बजे कंसेप्ट चलता है उसको जरूर सुनिएगा। वैसे तो आप लगातार जुड़ते रहते हैं, काफी समय से जुड़ रहे हैं आप, और बने रहिएगा, जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़िए। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ये क्या नाम है, कमल किशोर जी, डॉक्टर कमल किशोर जी। हेलो, सभी को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर कमल किशोर सहारे छत्तीसगढ़ रायपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं लगातार जुड़ रहा हूँ अपने संघ से, विद द पीपुल से, और लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ विद द पीपुल के माध्यम से। हमारे छत्तीसगढ़ में लोग जुड़ना शुरू हुए हैं, परंतु उतना तीव्रता से नहीं हो रहा है, पर कोशिश जारी है, जुड़ेंगे जोड़ेंगे और जीतेंगे। वी द पीपल जिंदाबाद, थैंक यू। हाँ धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अभिनेश कुमार जी, आप आए और अपना परिचय दीजिए। अभिनेश कुमार जी, अभिनेश कुमार जी, हेलो जी सर, जी बताएं सर, बोले। हाँ सर, प्रणाम। जय भीम सर, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम सर, जय भीम सर। सर आज हम जुड़े हैं, अशोक जी ने हमको जोड़ा है, तो अभी आज पहली बार हम जुड़े हैं। परिचय दीजिए सर, अपना परिचय दीजिए। सर मैं अभिनेश कुमार, मैं सहायक अध्यापक हूँ
प्राथमिक विद्यालय, मैं मछली शहर तहसील के राम राम नगर घगरिया से बोल रहा हूँ सर। जी सर, बने रहे सर, 9 बजे कंसेप्ट चलता है और इसको हम लोग सभी सुनेंगे। अपना मोबाइल नंबर भी आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए सर। ठीक सर जी। इसके बाद मैं उत्तराखंड से जो भी साथी जुड़े हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपना हैंड रेज कर दीजिए जो भी साथी जुड़े हैं। इसके बाद हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए थे इंजीनियर दिलीप सिंह जी। इंजीनियर दिलीप सिंह जी, शायद आवाज नहीं जा पा रही होगी मेरी वहां तक। इसके बाद हमारे साथ में एडवोकेट अवतार किशन जी हैं। अवतार किशन जी। जी सर, जय भीम जय भारत। हेलो। हाँ जय भीम जय भारत। सर मैं पंजाब से हूँ, मेरा नाम एडवोकेट अवतार कृष्ण है। मैं एक्चुअली प्रैक्टिस करता हूँ फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब के डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट में। मुझे इनवाइट किया गया है, तुलसी मेहरा जी पंजाब के हैं जो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। और मैं एक बार पहले भी जुड़ पाया था यहाँ पे, लेकिन उसके बाद मैं जुड़ नहीं पाया काफ़ी दिनों से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कंसेप्ट और मैं हमेशा जुड़ना भी चाहूँगा, क्योंकि जुड़ने के लिए ही तो हम बने हैं और हम जुड़ना भी चाहिए हमें। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे से मीटिंगों में भी जो है पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। धन्यवाद। सुरेश जी आपका माइक बंद हो गया। हाँ जी जी। तुलसी महाराज भी आ गए हैं आज ना, दो होस्टिंग है, एक एंकरिंग है। तुलसी महाराज भी है जो पंजाब करेंगे और आप भी तो मिलकर करना है आपने। तुलसी महाराज जी। तुलसी महाराज प्रेजेंट प्रेजेंट। आप सुरेश जी उत्तराखंड में दोनों मिलके करेंगे सर आज? आप कोई दिक्कत नहीं, ये भी पंजाब से ही है उत्तराखंड वाले भी। जब वी द पीपल के मंच पर आ गए सर तो सब भारत से हैं, सब इंडिया से हैं। नहीं सर, तो आइए सर, आप आइए। तुलसी मेहरा जी आप आइए, बीच बीच में मिलके करते रहेंगे। आप आगे नेक्स्ट को बुला लो, फिर मैं आता हूँ। हाँ जी ठीक है सर। पवन जी हमारे बीच में हैं। पवन जी मैं आग्रह करूंगा आप अपना परिचय दीजिए। हेलो जी, मेरी आवाज जा रही है? हाँ आ रही है सर। जय भीम जय संविधान। हाँ जय भीम जय भारत। मैं इधर लखनऊ में हूँ। हेलो। हाँ जी बताएं। Hello? सर कंटिन्यू कीजिए। हाँ, सर हाँ मैं लखनऊ में ही हूँ। मेरे एक फ्रेंड हैं इंद्र कुमार जी, उन्होंने मुझे ऐड किया। हेलो। हाँ जी बताएं सर बताएं। हाँ तो बड़ा अच्छा है ये चीज, सोशल नेटवर्क के माध्यम से अन्य प्रदेशों से भी और अन्य जिलों से भी लोगों से एक दूसरे से संपर्क करके अपने अपने मतलब विचारों का योगदान प्रदान करे आदमी। तो हर आदमी कुछ सीखना ही चाहता है, तो कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल सर। आवाज जा रही है? हाँ आ रही है सर, बोलते रहिए सर आप। तो बड़ा अच्छा है ये चीज, अन्य लोगों से मुलाकात होती रहे और ऐसे बातचीत होती रहे तो कुछ नॉलेज का आदान प्रदान भी होता रहेगा और जानकारी बढ़ती रहेगी, तो ये तो हमारे लिए तो बेटर है। बट हाँ जी धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है सर आपको वी द पीपल के मंच? बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया। अच्छा तो बने रहिए सर। हाँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट चलता है सर, कॉन्सेप्ट सुनिए और वी द पीपल किस हिसाब से काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, ये सब आज बताया जाएगा आपको।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल नंबर भी आप डाल दीजिए। चलो हाँ ठीक है, मैं डालता हूँ। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अमरजीत जी, हमारे बीच में हैं अमरजीत जी, आइए अपना परिचय दीजिए सर। अमरजीत जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए नेक्स्ट सीवी सिंह जी, सीवी जी हैं सीवी नाम से, सीवी नाम से कोई हमारे साथ में जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दीजिए। हाँ जय भीम भाई साहब, चंद्र बहादुर हूँ मैं, समाज के लोग हैं। अच्छा जय भीम सर, उत्तराखंड से आप जुड़े हुए हैं। जय भीम नाम बुधाए, कैसे हैं जी सर? बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। मैं तो थोड़ा जानना चाहूंगा वी द पीपल क्या है और कैसे काम करता है, इस बारे में थोड़ा सा, क्योंकि मुझे जानकारी है नहीं, पहली बार आज ही सम्मिलित होने का मौका मिला। हाँ आप अपना परिचय दीजिए सर और आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी सर। 9 बजे कंसेप्ट हम यहाँ पर चलता वी द पीपल का, और अच्छा। आपको बताया जाएगा सर, बीच बीच में बताया जाएगा। आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम चंद्र बहादुर है और मैं इधर उत्तराखंड देहरादून में सचिवालय में काम करता हूं और समाज का काम करता हूं, समाज को संगठित करने की कोशिश कर रहा हूं, बस इतना सा ही परिचय है और तो सब। थैंक यू सो मच। जी सर, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए सर चैट बॉक्स में, और यहाँ पर हमारे सीनियर लोग जो वरिष्ठ लोग हैं सर बात करेंगे आपसे जी। तो अपना चैट बॉक्स में जो है नंबर डाल दीजिए सर। बाकी आप पहली बार जुड़ रहे हैं सर तो 9 बजे कंसेप्ट जरूर सुनिएगा सर। जी जी जी, पहली बार ही मैं जी। इसके बाद मैं निवेदन करता हूँ ए के सिंह जी हमारे बीच में हैं। जी 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 जी, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं ए के सिंह, मैं उत्तर प्रदेश जनपद संभल से हूँ। मैं चंदौसी में एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हूँ और समाज के लिए थोड़ा सा चिंतनशील रहता हूँ, समाज के लिए कुछ करने की कोशिश करता रहता हूँ, और विदा पीपल से पिछले लगभग 3 महीने से मैं जुड़ा हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि नए नए साथी हमारे आते हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं समाज का कुछ भला होगा। समाज का जो उद्देश्य है कि देश में अपना उद्धार करना और अपना उन्नति करना, तो मैं समझता हूँ कि वी द पीपल हमें उस मुकाम पर ले जाने की एक कोशिश है, एक प्रयास है, और इस संघ में जितने भी लोग जुड़ेंगे मैं समझता हूँ कि वो अपने समाज को ऊपर उठाने का काम करेंगे। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर, जय भीम। इसके बाद हमारे साथ संजय वानखेड़े जी हैं, आपका हैंड रेज है, आए सर अपना परिचय दीजिए और अपनी बात रखिए। सभी माइक म्यूट हो गया सर आपका, अभी आवाज आ रही है सर? हाँ सर, सर कहिए सर। हाँ सभी साथियों को कट रही है सर, अभी आवाज कट रही है आपकी। अच्छा अच्छा ठीक है सर जी, सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं पहले भी बहुत दिनों से
डॉक्टर सुधीर राज सिंह जी को सुनता था टीम 22, अभी वी में भी पहले दिन से ज्वाइन हूँ, 3 महीने से सब लेक्चर सुनता था मैं फेसबुक पर, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अलग अलग प्रदेश से जुट रहे हैं, और हम जो कॉमन मैन है हमारे पास कुछ भी नहीं था, वो उनके लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म आ गया है सर जी, और हम जुटते जाएंगे, जीतते जाएंगे, जुटते जाएंगे, जीतते जाएंगे। थैंक यू, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर, बने रहिए सर वी द पीपल के मंच पर, और अन्य लोगों को भी अपने साथ में जोड़िए, हर रोज मीटिंग होती है सर, आप रोज मीटिंग में आए। जी जी सर, जी सर, ये बड़ा से बड़ा प्रयास करूंगा, फेसबुक व्हाट्सएप पे मैं भेजता हूँ, कॉल भी करता हूँ। जी धन्यवाद सर। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ भागचंद बैरवान जी हैं हमारे बीच में, भागचंद बैरवान जी हैं, आप आए सर, अपना परिचय दीजिए। भागचंद बैरवान जी। जय भीम सर, सभी को। हाँ जय भीम सर। सर मेरा नाम भागचंद है, मैं जयपुर से राजस्थान से हूँ। क्या करते हैं सर आप, क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ सर। अच्छा जी, ठीक है सर, अपना नंबर डाल दीजिए सर चैट बॉक्स में, और बने रहिए सर, अन्य लोगों को भी आप लेके आइए, जोड़िए। ये भागचंद जी, आपको ये लिंक कहाँ से मिला? ये कोई बम्बई का चन्नू है, चन्नू का उन्होंने जोड़ा, उन्होंने मेरे पास लिंक शेयर किया था, उन्होंने कॉल पे बात भी हुई थी जी। तो बोला कि आप हमारे साथ मीटिंग चलती है 8 बजे, तो आप ज्वाइन कर लिया करो। अच्छा, भी जोड़ रखा है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं अच्छा लगता है, और भी लोगों को जोड़िए, आपसे यही हमारा निवेदन है। ठीक है जी, और बने रहिए इसके साथ, वी द पीपल के साथ। जी ओवर टू सुरेश चंद जी। थैंक यू सर। उसके बाद ये अनुराग कुमार जी हमारे साथ में हैं। आइए सर, अपनी बात रखिए, अपना परिचय दीजिए। अनुराग कुमार जी। जी जी, हेलो जी, हेलो। हाँ जी, बताएं सर, बताएं जी। नमो बुद्धाय जय भीम सभी को। जी जय भीम, नमो बुद्धाय सर। मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ सर, और बुलंदशहर लखावटी ब्लॉक में प्राइमरी टीचर हूँ मैं। ये बुद्ध वंदना तो खैर ये तो कब छोटा ये काम हो गया, और अपने महापुरुषों को पढ़ाना, डोर टू डोर कैंपेन करना, कि कैसे हम एक दूसरे के सहभागी बने, एक दूसरे का हम काम आए, पे बैक टू सोसाइटी, बस यही काम रहता है सब जी। और अब आज अशोक विजयदशमी पर अब मैं नागपुर जा रहा हूँ विद फैमिली साहब। धन्यवाद सर, बने रहे हैं सर वेद पीपल के मंच पर। नागपुर में अगर कोई परेशानी हो तो वहां वेद पीपल के लोग मिलेंगे आपको। थैंक यू सर, मैं बहुत दिन से इच्छुक था कि सर की आवाज जो सुनते तो रहते हैं, आज बिल्कुल साक्षात्कार हो गया सर से, सुधीर राज सर से। हाँ, आप ना वहाँ अभी पोर्टल में बने रहना, नागपुर के लोग आएंगे, कटके साहब आएंगे, नागपुर में कोई दिक्कत हो वहाँ पर कोई परिवार जैसा होता है, कोई कोई मेडिकल दिक्कत आ जाए, कोई एडमिशन दिक्कत आ जाए, कहीं कुछ कोई भी समस्या रेल की या कहीं रहने की खाने पीने की, तो वो दूर करते हैं। जी जी, डॉक्टर उदयवीर सिंह साहब जो है उन्होंने हमें दिखा दिया नागपुर, और बस यही है कि जब भी अशोक विजयदशमी आए तो मैं नागपुर में रहूं, ये सर रहता है। हाँ नहीं, आप जाइए, और वहाँ इस बार वी द पीपल का वो भी लगेगा, टेंट भी लगेगा, आप वहाँ जरूर जाना। बहुत बढ़िया सर, बहुत वेरी वेरी नाइस सर। जी जी, वो कार्ड के साथ बैनर लगाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो मिल जाएंगे आपको। थैंक यू सर, वेरी गुड सर। ओके ओके सर, जय भीम।
जय भीम नमो बुद्धाय सर। हाँ धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये इसके बाद छुट्टन लाल जाटव जी हमारे बीच में है सूरत से। छुट्टन लाल जाटव जी। हाँ जी जय भीम नमो बुद्धाय सर। मैं छुट्टन लाल जाटव सूरत पश्चिम रेलवे में ट्रैफिक इंस्पेक्टर के पद पर कार्य कर रहा हूँ और बीदा पीपल से जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है और जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी बचेंगे। जब जब जुड़ेंगे जब जब जीतेंगे, नहीं तो आगे फिर गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू तो लटकाना ही पड़ेगा। यही बात हम लोगों को समझा रहे हैं जी। धन्यवाद सुरेश जी, आगे बढ़ाइए। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये गजेंद्र जी हैं हमारे बीच में। गजेंद्र जी, गजेंद्र सिंह जी आइए सर, अपनी बात रखिए और अपना परिचय दीजिए। गजेंद्र जी मैं आप तक मेरी आवाज आ रही है? शायद मेरी आवाज गजेंद्र जी तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगा गीता बौद्ध। गीता बौद्ध जी हमारे बीच में है, तो आप आए और अपना परिचय दीजिए। गीता बौद्ध जी हेलो। हाँ जय भीम नमो बुद्धाय जी। हेलो जय भीम आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी आ रही है। हाँ जी आ रही है। हेलो आ रही है। आवाज तो नहीं आ रही। हाँ आ रही है बहन जी, आवाज आ रही है आपकी। मैं गीता बौद्ध चंडीगढ़ से जी। मैं गीता बौद्ध चंडीगढ़ से हरियाणा से। मैं जी लगभग 25 सालों से सोशल वर्कर हूँ। अपने समाज के हर इंसान के लिए पीछे ये गांव-गांव जाके सबको वो करते हैं, मीटिंग करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं एजुकेशन के लिए। और लेबर डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ, जिससे सारा लेबर में सारे तकरीबन मजदूरों का ही काम होता है। सभी की हेल्प करती हूँ, कोई कहीं से भी आए। और वी द पीपल के साथ हम लगभग 4 महीने हो चुके हैं। हमारे वीडियो पीपल में हमारा परिवार बड़ा होता जा रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। नई नई बातें, नए नए लोग सभी आते रहते हैं, वर्ल्ड लेवल पे जुड़ते हैं। तो हमें बहुत खुशी की बात है कि जो हमारा परिवार इतना बड़ा होता जा रहा है, ताकि हम एकजुट रहेंगे, एक जुड़ेंगे, जोड़ेंगे और जीतेंगे। जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जितना जोड़ेंगे जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जय भीम नमो बुद्धाय जी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा हेनरी आरके जी। हेनरी आरके नाम से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। आइए सर अपनी बात रखिए, अपना परिचय दीजिए। सर मैं थोड़ी देर में अभी मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ बाद में। हाँ ठीक ठीक बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा जयवीर सिंह जी। जयवीर सिंह जी हमारे बीच में है, आप आइए सर अपना परिचय दीजिए। जय भीम सभी साथियों को, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर जी। हाँ जी। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से हूँ और बेसिक में टीचर हूँ और पिछले कई महीनों से जुड़ा हुआ हूँ। कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक दिन जुड़ूं और अन्य साथियों को भी जोड़ूं, क्योंकि इस विकल्प के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बच रहा। जिस प्रकार से हमारे बच्चों की शिक्षा छिनती चली जा रही है, नौकरियां छिनती चली जा रही हैं, प्रमोशन में आरक्षण छिन गया और जितने भी हमें संवैधानिक लाभ मिल रहे थे उन सबको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। तो इसलिए यही विकल्प हमारे सामने बचता है कि हम लोग एकजुट हों और एकजुट होकर के अपने जो भी हमारे अधिकार थे उन्हें हम बचाएं। तो एक अच्छी पहल है और अच्छी पहल तभी हमारी सार्थक होगी जब हम लोग बड़ी संख्या में जुड़ेंगे। तो हम इसी का प्रयास कर रहे हैं अन्य साथियों को जोड़ करके, ताकि हमारा एक जन समूह इकट्ठा होकर के इन सारे अपने अधिकारों को बचा ले।
के साथ वाणी को विराम दूंगा। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। सर सुरेश जी एक बार ना प्रियम्बल करवा लेते हैं। जी प्रियम्बल जी, के लिए किसी को आवाज लगाओ, कोई भी प्रियम्बल पढ़ना चाहता हो। सर पढ़ देता हूँ, आप ही बुला दीजिए सर, आप ही बुला दीजिए, मुझे ज्यादा थोड़ा सा है भी नहीं। कौन कोई भी साथी प्रियम्बल पढ़ना चाहता है तो आए एक बार। जी जी सर मैं पढ़ देता हूँ, सचिन बहुत दतिया से मध्य प्रदेश। कल आपने पढ़ा था? जी सर पहले पढ़ा आपने, पहले आपने पढ़ा है? हाँ 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 सर मैं पढ़ता रहता हूँ, जब नहीं पढ़ता याद है सर मुझे तो, जब पढ़वा लें। नहीं वो ठीक है, आप वेट करें, वेट करें। कौन बोल रहे हैं बोलिए? मैं पढ़ू सर जी? कौन बोल रहे? अनुराग कुमार सर, स्कूल में भी कभी कभी करा देता हूँ। आपने विद द पीपल में पढ़ा है? जी सर जी विद द पीपल में पढ़ा है आपने? यस सर। अभी रुकिए, अभी आप भी रुकिए। ओके सर, ठीक ठीक सर, यस वेरी गुड, दैट्स द स्पीड। सर मैं पढ़ दूं क्या आज? तो फिर मैं पढ़ दूं जी? हाँ जी सर। नहीं आप भी नहीं है के सिंह जी, आपने पढ़ लिया कई बार। नहीं वो फिर तो पर्ची सर, पर्ची डाल लो फिर नाम। नहीं नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, आप भी रुकिए प्लीज। और मुझे बताइए आप कौन है? आप मुकुंद मंसूर बोल रहे हो सर? मुकुंद मंसूर ध्रुव से बोल रहा हूँ, पढ़ दूं क्या सर? आपने पहली बार पढ़ रहे हो? मैं तो तीन चार बार पढ़ चुका हूँ सर। आप भी नहीं पढ़ोगे? रुकिए आप भी रुकिए प्लीज। तो नया साथी कौन है जिसने? हाँ जी नया साथी कौन है जिसने नहीं पढ़ा? मुझे नया साथी पढ़ना चाहता है? आपकी आवाज लखपत से बोल रहा हूँ सर। लखपत जी आपने पढ़ा पहले? नहीं पढ़ा, मुझे वाणी आता है सर मुझे, इसलिए पढ़िए पढ़िए आप। ठीक है सर, वेरी गुड सर। हम बोले सर बोले जी 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 लखपत जी। भारतीय संविधान की उद्देशिका, हम भारत के लोग, भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समस्त नागरिकों को समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा देश की अखंडता और एकता की बंधुता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 जनवरी सन 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय संविधान नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद लखपत जी, बहुत बहुत साधुवाद। हाँ जी चलिए सुरेश जी आगे आप। हाँ धन्यवाद सर। सर हमारे बीच में राजवीर सिंह जी हैं, एंड्रेज है, आइए सर अपनी बात रखिए और अपना परिचय दीजिए। राजवीर सिंह जी सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय सर। हाँ जी मेरा नाम राजवीर पुनिया है, मैं ESI हॉस्पिटल पानीपत में हूँ और 22 साल बाम से मैं काम किया, 6 साल गुरु रविदास सभा में काम किया और 3 साल से डिस्ट्रिक्ट पानीपत का डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट हूँ अंबेडकर सभा का। ये सुधीराज जी से मैं जानना चाहता हूँ, चाह रहा हूँ जो 25 दिसंबर का जो प्रोग्राम है लखनऊ में, जैसे लोग जाएंगे उनके लिए ठहरने की व्यवस्था क्या व्यवस्था की हुई है जो एक दिन पहले पहुंचेंगे? सुधीराज जी वो लखनऊ वाले डॉक्टर साहब बताएंगे, अभी आ रहे हैं। हाँ मैंने लखनऊ वाले डॉक्टर से बात बात की थी, उन्होंने कहा अपना होटल बुक करो, अगर एक दिन पहले आओ तो अपना होटल बुक करो, अपने खर्चे पर रुकना है और 1000 रुपये आपने वहाँ एंट्री फीस देनी है।
1,000 रुपए तो वो जो भी लोग आएंगे उनको देना है, क्योंकि 700 रुपए की वहाँ प्लेट है और बाकी 300 रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वो अगर बचेंगे कम पैसे पड़ेंगे तो आपसे और ले लेंगे और ज्यादा होंगे तो वापस कर देंगे। नहीं और तो ले ले, और तो ले ले। जैसे मान लिया हम 10 आदमी एक दिन पहले पहुंचेंगे, हम वहाँ होटल का कमरा लेंगे, वहाँ रुकेंगे, फिर वहां अगले सुबह तैयार होकर के फिर वहां जाएंगे, तो उन्होंने वहाँ रिजोर्ट्स में भी रूम है, वो अभी वहाँ बात कर रहे हैं कि रिजोर्ट्स का रूम का किराया क्या होगा वो बताएंगे आपको। रिजोर्ट्स में बहुत सारे रूम है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप वहीं भी रुक सकते हो। रुक तो सके, ये व्यवस्था तो जो गेस्ट आएंगे रुकने की व्यवस्था तो लखनऊ वाला ने करनी चाहिए ना एक दिन पहले। ये नहीं, सारे लोग अलग अलग तरह से व्यवस्था करते हैं, कोई अलग तरह से करेगा, कोई अलग तरह से करेगा, कोई अलग तरह से करेगा। अब ये तो टर्म्स और कंडीशन है। अब जैसे कल आप आते, अगर यहाँ दिल्ली में अगर आते तो पराठे साथ लेके आते आप। अब दिल्ली वाले तो दिल्ली वाला कोई चक्कर, दिल्ली तो नजदीक है, दिल्ली कोई इशू नहीं। अब मैं 10 आदमी यहाँ से पानीपत से टिकट बुक कराए, ट्रेन का भी खर्चा दें, वहाँ एंट्री का भी दे, चलो को एंट्री का भी दे दिया, फिर वहाँ होटल लेकर के होटल में भी रुके, 2,000 रुपये रूम के भी दें, फिर वहाँ डिनर के भी दें, फिर सुबह ब्रेकफास्ट के भी दें, तो ये तो 5,000-7,000 रुपये एक आदमी का लग जाएंगे वहाँ। नहीं सर ये भी तो, नहीं सर ये भी तो हो सकता है कि सुबह ट्रेन वहाँ पहुँच रही हो, उस ट्रेन से जाया जा जो ट्रेन उस दिन सुबह पहुँच रही हो मॉर्निंग में। जब आदमी जाए तो हो सकता है, एक आदमी वहाँ पहुंचेगा तो सोचेगा मैं बाबा साहब का तो है। देखो राजवीर सिंह जी, मूवमेंट वो चलती है जो आदमी अपने कंधे पर उठाता है। जब आदमी कोई किसी को दूसरे को कंधे पर उठाता है तो वो ये उम्मीद करता है कि हमें भी कोई कंधे पर उठाए। आज जो दुनिया के अंदर एक नियम चलता है कि भाई दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, और ये सबसे बढ़िया सिद्धांत है। उसका कारण ये है कि जब आदमी अपने पैसे खर्च करता है और अपनी इच्छा व्यक्त करता है और वहां जाता है तो वो मिशन के प्रति 100% वफादार होता है। और आजकल क्या हो रहा है, आजकल ये हो रहा है कि जैसे मान लो किसी ने इंतजाम कर दिया, जैसे मान लो हमने ये परंपरा डाली है कि भाई खाना भी अपना लेके आएंगे जो छोटी मीटिंग होगी उसके अंदर, तो है क्या कि जिन लोगों को वास्तव में दर्द होगा और वास्तव में समझदार होंगे वो आएंगे। वरना तो होता क्या है सारी मीटिंगों में कि 1:30 बजे से लेके और 2:30 बजे तक जब तक खाना नहीं खुलता तब तक तो हॉल में मौजूद होते हैं 500 आदमी, और जैसे ही खाना खाने के बाद दोबारा मीटिंग में बैठे हैं तो वो रह जाते हैं 60 आदमी 70 आदमी। तो इसका मतलब बाकी खाना खाने आए, तो हमें खाना खाने वाले आदमी या जो ऐसे आदमी है अपना बोझ अपने आप ना उठा सकें। हाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पैसे नहीं है वहां जाए तो वो उनके डॉक्टरों का काम है कि वो कैसे करेंगे। और वहां पर ये भी ऑप्शन रखा हुआ है कि भाई वहां बच्चों को घुमाएं फिराएं, तो आदमी घुमाएं फिराएं के हिसाब से भी आता है तो भी अपना पैसा खर्च करता है। और वहां डॉक्टरों का अधिवेशन है, वहां आपको 150-200-300 डॉक्टर मिलेंगे ऑल इंडिया के, उनसे आपकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी, देखी होगी। जब वो आपके यहाँ आएंगे तो आप भी उनको वही सेवा दें कि भैया अपना रुकना अपने आप करो, अपना खाना अपने आप करो, हम तो आपकी यहाँ मीटिंग कराएंगे। और वो ना, 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 बेस्ट हम नहीं करेंगे ऐसा, हम नहीं करेंगे। ये 25 तारीख की लखनऊ की बजाय पानीपत में कर लो, हम सारा खर्चा कर लेंगे हरियाणा वाले। तो आप अगर खर्चा उठा सकते हो तो ये आपकी इच्छा है। और उन लोगों ने, क्योंकि है क्या कि लखनऊ जो डॉक्टरों की मीटिंग है वो तो साल में 2 बार लगेगी, अगर साल में 2 बार वो पैसे इकट्ठे करते रहेंगे और उनका 4-5 लाख का बजट बैठेगा तो वो अगली मीटिंग होगी नहीं फिर तो चक्कर में। नहीं नहीं वो एंट्री फीस तो लो, एंट्री फीस तो कौन मना कर रहा है, एंट्री फीस कोई नहीं है। वो जो आप जो वहाँ खाना खाओगे उसमें नाश्ता और खाना है 700 रुपए में, जो रिजोर्ट का खाना है ना खाने का, और उसका रेट वो तो हम वहाँ 2,000 रुपए दे देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अरे बाबा वो आपसे फालतू पैसे क्यों लेंगे, आप 2 आदमी हो तो 2,000 रुपए देना, 4 हो तो 4,000 देना। दरअसल क्या है कि वो तो आपके खुद के खाने खर्चा है, वो नहीं मांग रहे आपसे पैसे, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई जैसे मान लो 500 लोग आए और 500 लोगों का 5 लाख वो बैठता है, बिल बैठता है, तो वो पैसे इकट्ठे करते रहेंगे तो अगली मीटिंग कैसे करेंगे, फिर तो जिंदगी में दोबारा मीटिंग होगी नहीं, फिर तो उनकी वो तो इसी चक्कर में रहेंगे कि यार कौन तो 5 लाख। हम लखनऊ के लिए पैसे भेज देंगे अपने पास, यहाँ से अकाउंट में डलवा देंगे पैसे। नहीं वो पैसे लेने की परंपरा नहीं चलेगी अब ना, आप तो आप अपना खर्चा अपने आप उठाओ और पहुंचो। वो देखो मूवमेंट वही चलती है जिसमें आदमी अपना खर्चा अपने आप उठाता है। जी एक बार ना आप इस इनको समझाओ, ये कैसे बात करते हैं, पैसे तो पैसे किसी आपके हो हमारे हो लगते ही हो तो फिर इकट्ठे हो गए अलग अलग दे दिए, ये क्यों इतनी दिमाग में रखते हैं इन चीजों की। इससे क्या फर्क पड़ता है, अब सब अच्छी बात है, सब अपने अपने हिसाब से चलें,
दो जाने हैं, दो अपना खर्चा खुद वहन करना होता है, बात खत्म। नहीं देंगे खर्चा, खत्म मना कर रहे हैं खर्चा, खर्चा की मना जाना है हमें, जिसको भी जाना है हम अपना हिसाब से जाएं, बस ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जो एक सिस्टम है, मान लो आपने वहन कर लिया, वो कर रहे हैं तो वो वहन करे तो खर्चा तो वही हुआ ना, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो इससे अच्छा ये तरीका बढ़िया है कि अपना अपना राजवीर जी तेरे हमेशा बेस्ट तरीका राजवीर जी। हाँ जी सर। सर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जो कार्यप्रिय अधिकारी ठीक कर रहे हैं, सुधीर जी ठीक कर रहे हैं, ऐसा मत करो। आप बार बार ये बात कर रहे हो तो ठीक नहीं है। अच्छा नहीं है, हर एक आदमी अपने पैसे के पास है, हर एक आदमी कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बार बार देखो ये गलत बात है। बहुत पैसे आपके पास, आप आपके पास की तरफ पैसे है क्या? आप कर दो ना सारा खर्चा। हेलो, कोई बोल नहीं रहा है, आप अपने हिसाब से बातें करते रहते हो। ये या जब भी आप डिस्कस करते हो तो आप इसी टॉपिक भी डिस्कस करते हो, अच्छा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, चलो आप अगर 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 आप इतने पैसे आपके पास, तो पूरी मीटिंग करा लो ना, आप आज मीना पानीपत में कराओ, आप कितना खर्चा करते हो। कर रहा है आपको नहीं जाएंगे ऐसी स्वाभिमान भी होता है कोई, हमको ये थोड़ा है कि हम ये कमी है। आप चौबीस एक आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो और इस तरह की बात कर रहे हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ो, आइंदा थोड़ा ठीक से ठीक ठाक से बात करेगा, ऐसा नहीं ठीक है, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं लग रहा हमको ये। चलिए आगे बढ़िए, क्या बोलते हैं सुरेश चंद जी, आगे बढ़िए। हाँ ठीक है सर। हाँ, इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा, जितेंद्र जगताप जी हमारे बीच में हैं, आप आइए सर, अपना परिचय दीजिए, और इसके बाद 9 बज गए हैं तो कॉन्सेप्ट हम शुरू करेंगे। जितेंद्र जगताप जी, परिहार जी का हैंड रेज है, कृपया उनसे बुलवा ले। हाँ जी, आइए सर, सत्य प्रकाश परिहार जी। हाँ सत्य प्रकाश परिहार जी, हाँ सत्य प्रकाश परिहार जी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो आप आइए सर, आपका हैंड रेज। हाँ हैंड रेज तो चलो उस टाइम किया था, अभी मैं लोअर कर देता हूँ, और मैं 10 मिनट में जुड़ता हूँ, मैं अभी थोड़ा जुड़ नहीं पा रहा। वैसे ठीक सर, उसके दे देता हूँ, एसपी परिहार, एससी इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में हूँ, हिसार में मेरी पोस्टिंग है, और मैं लगभग शुरू से ही विद पीपल के साथ जुड़ा हूँ, और ये इससे बढ़िया कोई कंसेप्ट है नहीं जो मेरे व्यू मेरे विचार से, इसलिए मैं इसी के साथ जुड़ा हूँ। पहले कभी भी किसी संगठन से इस तरह जुड़ा भी नहीं हूँ मैं, ये पहला ही समझ लो मैं जिस सही में इस संगठन सॉरी इस कंसेप्ट को समझ के और इसको मैंने एक्सेप्ट किया है। धन्यवाद सर। इसके बाद 9:01 हो गया है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय सुधीर राज सिंह जी से कि आए सर, और आज जो हमारे सभी साथी जो लोग जुड़े हैं वो आज वी द पीपल का कंसेप्ट बताने का कष्ट करें। आदरणीय सुधीर राज सिंह जी, आदरणीय सुधीर राज जी, आपने कंसेप्ट बताया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिद है जुड़ने की और जरूर जुड़ेंगे। किसी साथी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज करें अगर किसी साथी का कोई सवाल है तो। एक तो ये सतीश कुमार जी, आप थोड़ा सा अपनी शर्ट पहन ले। सतीश कुमार जी सर, सभी विदा पीपल के साथी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मुकुंद बंसोड छत्तीसगढ़ दुर्गा से हूँ सर। हेलो हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। सर सर, आप लोगों की सहायता से और कृपा से मेरे नाती ने आज जन्म लिया है, आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, और ये इसने आज विद द पीपल अटेंड कर लिया है, आप लोगों का आशीष चाहते हैं सर। बधाई हो सर, क्यूट सो क्यूट, बधाई हो, बधाई हो सर, बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। भाई हो भीम बने, भीम बधाई हो।
मिठाई खाएंगे आपके यहाँ करके लिसन काम करेंगे सर हम आपका सबका आपको आमंत्रित भी करेंगे। सुधीर जी सर आप तो शब्द विमान से गए आप नाम रख दो नाम तो जब ये कहेंगे मैं पाली का नाम भेज दूंगा नाम बता देंगे पाली का नाम भेज दूंगा पाली का सर ये एक घंटे से गोद में लिए घूम रहे थे इसीलिए ये पीपल सुना दिया इन्होंने इनको बिल्कुल सही बात है थैंक यू सर आप नहीं आप ये देखो ना पूरे देश के लोगों ने बधाई दी है इससे जो ना और क्या जो ना बड़ी बात होगी बच्चे के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है उनके परिवार के लिए और हमारे लिए छोटा बच्चा एक और भीम आ गया हमारे बीच में करमवीर जी पहला बच्चा है जिसको पूरा देश बधाई दे रहा है आज बहुत बहुत इस संघ का सत्य वचन सत्य वचन बंसोत जी बहुत बहुत बधाई हो आपको बहुत बहुत बधाई हो इसका नाम आदमी रखिए जी जी नाम बताना होगा भाई लाल साहब नाम बता रहे हैं जरा इस पे गौर करें सभी लोग सुधीर जी ने बोल दिया ना पाली भाषा में बताएंगे पाली नाम है बता रहे डॉक्टर पाली ही नाम सही रहेगा बिल्कुल आप मुझे मैसेज भेज देना मैं आपको व्हाट्सएप पर नाम भेज दूंगा वैसे मैंने दो तीन नामों की वीडियो बना रखी है वो देख सकते हैं पाली के नाम की बिल्कुल सर हम आपका आज्ञा का पालन करेंगे हम सर नाती बेटा बेटी बेटा है सर बेटा सब बधाई हो डॉक्टर कमल किशोर साहब और डॉक्टर बालेंद्र साहब का बहुत सहयोग रहा उन सबको हमारा परिवार बहुत बहुत धन्यवाद देता है सर जी साधु 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 सबको भी बहुत साधुवाद ओम प्रकाश जी सुन रहे हैं कल वाली बात बता दी थी वी द पीपल का फायदा जो कल रात को 11:30 जो टिकट के लिए जो परेशान हो रहा था भाई हेलो मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आवाज आ रही है आवाज आ रही है बिल्कुल आ रही है अपना माइक अनम्यूट करें प्रियार जी माइक तो अनम्यूट है आ रही आवाज आ रही है आपकी आवाज आ रही है जी कल क्या हुआ रात को 11:30 एक भाई जो है उसको आज परीक्षा देनी थी दिल्ली में और उसकी ट्रेन की बुकिंग नहीं हो रही थी 11:30 ग्रुप में जुड़ के कहता है जी मेरी मदद करो कोई मुझे टिकट कंफर्म नहीं हो रही मुझे दिल्ली जाना है एग्जाम है सुबह सुबह तो उसमें फिर अपने ओम प्रकाश जो मिनिस्ट्री ऑफ होम में है क्योंकि और कोई ऐसे थे नहीं एट ए टाइम इमीडिएटली वैसे तो रात को किसको कहें शर्मिला जोहरी जी का भी इधर भी चंडीगढ़ है उनका भी बात हुई लेकिन वो सब चलो उस टाइम थे नहीं फिर उन्होंने अपना करके इधर उधर फोन कर गए रात को सुबह तक उनको टाइम पे पहुंच गए सब कुछ उनका जब हो गया कंफर्म पहुंच गए हैं तब सुबह सुबह फिर फोन भी आया इनका ओम प्रकाश जी का जी जी बैठे होंगे ओम प्रकाश जी ओम प्रकाश जी जय भीम सर नव बुद्धाय जय भीम अरे ये वीदा पीपल की ताकत है सर आए थे सर मेरे ऑफिस में मिलके गए हैं और अभी पहुंचने वाले हैं अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे उनका फोन आया था बोले सर जी बहुत बढ़िया सर वो इतने बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था प्रयास आसान भाई चलो बोला जी ये हो जाएगा पेपर रह जाएगा मेरा कोई करो मदद बार बार आ रहा आधा घंटा तक लगा रहा परियार जी 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 जय भीम नमो बुद्धाय डॉक्टर साहब ये बच्चे का नाम आज पाली बच्चे का नाम वो रखेंगे अपने आप बता भेज दो उनका राइट है देखो इनको पसंद है तो पाली नाम रख दो बस सबकी तो उनकी उनके उनका अधिकार है वो पाली रख पर बेटा तो, बेटा बेटा है जी अच्छा, अच्छा बेटा बेटी नाम चल सकता है पाली भी सबका होता है रतन सर पाली चल रहा है बेटा मैं और रमेश ताटके जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है परियार जी
हाँ चलो मैंने तो मेरा लोअर कर देता हूँ, मैं वो बताना चाह रहा था रात वाली बात। रमेश जी, हाँ जी, सभी को नमस्कार। जय भीम सर, मैं थोड़ी देर से ज्वाइन हुआ इसलिए माफी चाहता हूँ, इसका काम कर रहा था। आज के उपलक्ष्य में दो बातें करूंगा सिर्फ दो मिनट में। एक तो मुकुंद बंसोड जी के जो ग्रैंडसन हुआ है उसके लिए सभी की तरफ से हम बधाई देते हैं और उनको कहते हैं कि चत्तारो धम्मा वड्डंती आयु वन्नंग सुख बलन। इससे चार प्रकार की वृद्धियां होती है, चार प्रकार की धम्म की बढ़ोतरियां होती है, आयुष बढ़ता है, वर्ण बढ़ता है, सुख और बल बढ़ता है। ये धम्म की शिक्षा है। दूसरी मैं ये आज के दिन के उपलक्ष्य के बारे में बताना चाहता हूँ। आज के दिन में तीन बहुत बड़ी घटनाएं हो चुकी थी इतिहास में। पहली बात तो ये कि 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था वो दूसरी बार हुआ था, क्योंकि पहली बार 5 जून 1674 को जो उनका राज्याभिषेक हुआ था उस वक्त वो जो ब्राह्मीन था उसने पैर से दाहिने पैर के अंगूठे से उनको टीका लगाया था और बाद में ब्राह्मणों ने यह कह दिया था कि आपका आप शूद्र हो इसीलिए आपका राज्याभिषेक नहीं हो सकता है। इसीलिए फिर से शिवाजी महाराज ने आज ही के दिन 24 सितंबर 1674 में दूसरी बार शाक्त पद्धति से अपना राज्याभिषेक किया था। तो इस बात का बहुजनों के लिए एक महत्व है। दूसरी बात जो हुई वो बाबा साहब के तीसरे नंबर के जो गुरु थे ज्योतिबा फुले जी। ज्योतिबा फुले सिर्फ 7वीं कक्षा तक पढ़े थे लेकिन बाबा साहब जैसा दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा हुआ इंसान उनको गुरु मानता था, इसीलिए ज्योतिबा फुले का महत्व तो इतना बड़ा बढ़ जाता है कि वो कितने ज्ञानी होंगे, कितने विचारों के क्रांतिकारी विचारों के समर्थक होंगे। तो उन्होंने आज ही के दिन 24 सितंबर 1873 में 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। जो सत्य की खोज करता हो ऐसा समाज निर्माण करना चाहिए, ऐसा सत्यशोधक समाज के बारे में ज्योतिबा फुले कहते हैं। और तीसरी बात हम सभी को पता है जो कि आज ही के दिन 1932 में 1932 में बाबा साहब और गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। हालांकि पूना पैक्ट से हम लोग काफी पीछे आ चुके, बाबा साहब को मंजूर भी नहीं था। बाद में जाके 1946 तक पूना पैक्ट के बारे में बहुत सारा विरोध भी जताया गया था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से। तो आज के दिन का महत्व जो है तीन बातों के लिए बहुत ज्यादा है और बाबा साहब का सारा जो आंदोलन है वो पूना पैक्ट के बाद बहुत ही मुखर हुआ था। उसके बाद वो इतना एक्टिव हो गए थे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद रैमसे मैकडोनाल्ड जैसा प्राइम मिनिस्टर, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो चली उसमें हर रेजुलेशन जो आता था उसके बाद रैमसे मैकडोनाल्ड कहते थे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आप इसके ऊपर आप अपना कॉमेंट दे दो। और सारी इंग्लैंड की लंडन टाइम्स हेराल्ड टाइम्स में बाबा साहब ने जो बात की जाती, बाबा साहब जो बात कहते थे वो हेडलाइंस बनती थी। तो इसी का नतीजा जो बना बाद में पूना पैक्ट हुआ। तो ऐसे ही तीन बातों के लिए मुझे आज बात करनी थी। सभी के लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। वी द पीपल। जिंदाबाद। साधु 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 साधु। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं हम सबका। इसके बाद निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में गोपाल सिंह जी हैं। गोपाल सिंह जी आए हैं, अपना परिचय दीजिए सर। गोपाल सिंह जी, मेरी आवाज यदि आप तक पहुंच रही तो आए सर, अपना परिचय दीजिए। वो तुलसी मेहरा जी कहाँ गए, उनका भी था पंजाब का ना आज। जी सर, जी सुरेश जी, एक योगेश है, देख लो उन्होंने परिचय नहीं दिया हो तो दे दिया तो ठीक है, हरियाणा से है। जी आइए सर, आइए योगेश जी, आइए आप, आए सर योगेश जी। सर नमो बुद्ध सर, जी योगेश जी बोल रहे हैं सर। सर मैं जो घर से हूँ सर, और मैं सर परिवार जी अपने इरिगेशन में सर,
तो मैं हिसार मिल गया था साहब से करीबन एक हफ्ते पहले, तो साहब के विचारों ने मेरे को काफी प्रभावित किया। तो सर फिर साहब बोले कि भाई आप आर्य समाज से जुड़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये विचार आपके लिए जरूरी है। तो सर फिर ये विद द पीपल का मैंने इतनी वो नॉलेज नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ मैंने जो है ना सर, मैं एक ये मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, मैं तो जो है ना योग और ये मेडिटेशन इस तरह का करता हूँ, विपश्यना मारता हूँ, मैं विभाग में मैं नौकरी करता हूँ। तो अभी जो अपने ये जो कल भी मैंने राज्य के वास्तव संगठन को इस तरह से आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बड़ी गजल है कि भाई कैसे हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा, हमारी ताकत आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, आवाज नेट ठीक नहीं है आपका, आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर, बिल्कुल रेंज में नहीं है। वो तो ये मस्त होगा कि मतलब एकांत और अकेलापन क्या होता है। अच्छा अच्छा जी, तो जो यूनाइट करने का जो विचार है ना सुधीर राज जी के, तो वास्तव में ये मतलब मैं चंद्रशेखर प्रकाश जी जो अपने साहब है इरिगेशन में। अच्छा अच्छा ये अब आवाज आ रही सर, आवाज आ रही है, आ रही है। हाँ तो सर वास्तव में मतलब जो ना और मतलब एक नई एनर्जी मिली है सर। अब आज बल्कि वो आचार्य जी मैं आपके पास लेकर आया था ना सर, वो मैंने साहित्य आपने मेरे तीन बुक दे दी, तो आचार्य जी बोले भाई मैं पढ़ूंगा महात्मा बुद्ध जी की जो आपने मेरे को दी ना सर, ना वो बाबा साहेब की, वो मैंने आचार्य जी को भेंट कर दी सर। और आप वास्तव में सर आपकी जो एक शैली थी ना वो दिल से मुझे लाइक आई और अच्छी थी सर, बहुत अच्छी। और आपने अच्छा मोटिवेट किया सर, मैं तो अब जहाँ भी बैठता हूँ ना विद द पीपल का कॉन्सेप्ट बताता हूँ और महात्मा बुद्ध की थ्योरी को मैं बताता हूँ कि भी किस प्रकार से वो हमारा और हमारे समाज का किस प्रकार से उत्थान कर सकती है। तो और सर बाबा साहेब ही वो व्यक्ति जिन्होंने समाज को एक कर दिया, और ये भारत एक बाबा साहेब की छोरी की वजह से सर, और ना हमारा देश कितने टुकड़ों में बटा हुआ था, आज इतना बड़ा देश एक करके रखना सर, अनेकों संस्कृतियां, अनेकों मान्यताएं और अलग अलग प्रकार से खंड खंड में आज भी हमारी क्षेत्रवाद की अनेक प्रकार की सोच है सर। वो एक गीता से हम कंपेरिजन करें तो रेम्बल वो संक्षिप्त दिल में ग्रहण कर सकते हैं। और मैं परिहार जी का साहब का बहुत धन्यवाद करूंगा कि जो एक अच्छा मार्गदर्शन दिया मेरे को साहब ने, क्योंकि प्रचारक की एक जीवन शैली है, वैसे तो कर्मचारी होने के नाते जीवन में प्रचारक की भूमिका रहती है जी मेरी, तो इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं अपनी पूरी टीम का, विद द पीपल का, और बारम्बार धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हेलो विद द पीपल का करो प्रचार खूब। हाँ सर, सर दिल से करेंगे, पूरा दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। गुलाब सिंह जी का हैंड रेज है, अरुण कुमार जी भी है गुड़गावा से। एक मिनट में लेऊंगा, ये योगेश जी हैं, ये एक्चुअल में आर्य समाज से लिंक्ड थे, मेरे पास फर्स्ट टाइम आए तो आर्य समाज की बुक वुक सारी मेरे को दिखा रहे थे, तो मैंने इनको छोटी सी बात बताई थी कि आर्य समाज में वर्ण आश्रम है और आपको अभी पता नहीं है, और वर्ण आश्रम मीन्स हम शूद्र हैं, हमारा वही हाल है, वहाँ कोई कुछ नहीं है। क्यों बनाया था आर्य समाज है? वो सत्य शोधक समाज को काउंटर करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी, जो सत्य अपने महात्मा फुल्ले ने जो सत्य शोधक समाज चलाया था, और उससे गांव-गांव शहर-शहर
पब्लिक को जगाने का काम किया था, तो उसको काउंटर का ये बार बार करते रहते हैं ना ये सब काम जी। तो समय समय पे तो उन्होंने इसको काउंटर करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी, तो ये इनको फिर थोड़ा लगा भी ऐसा है क्या, फिर इन्होंने काफी कुछ इनको समझाया घंटा दो घंटा इन्होंने जाके अपने। सुरेश जी आपकी वो आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। सुरेश जी आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, इसको ठीक करो। सुरेश जी बंद करो इसको। बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक हो गया सर। इन्होंने अब ठीक है, इन्होंने फिर आगे अपने जो आचार्य है वहां जाके भी ये बातें करी, तो वो फिर वही बात, उनको कहाँ पता है ये सब चीजें। तो और भी कई चीजें जैसे कईयों को ये भी नहीं पता कि जो 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था, क्यों हुआ, बहुत सारी चीजें। चलो हम सबको तो पता है लगभग, तो वो भी वहां जाके बताई, तो उनको नई चीजें लगी। वो फिर अब ये बार बार आज भी आए थे, तो मैंने कहा ठीक है तुम प्रचार करो, चेंज करो लोगों को, सारे ठीक है कुछ ठीक है आर्य समाज का, पर बेसिकली तो उनमें जाति व्यवस्था है। प्रयार साहब जी, एक बार दिल्ली में ना आर्य समाज के कुछ लोगों ने मेरे को स्पीकर के रूप में बुलाया बुद्ध की तरफ से जी। तो उन्होंने एक वहां आर्य समाज था, एक वहां उन्होंने जो उनका वैदिक परंपरा का जो सनातन टाइप का हिंदू टाइप का वो बुलाया, एक वहां पर उन्होंने सिख बुलाया, एक वहां पे जैन बुलाया, और बुद्ध की तरफ से मैं गया था। अच्छा मैं तो सीधा साधा अपना पैंट कमीज में गया था। अब वहाँ एक प्रश्न वो करते थे, उससे वो सवाल पूछते थे, उसका जवाब वो रिकॉर्डिंग है, वीडियो है उसके अंदर। उसके बाद उन्होंने मुझे कभी नहीं बुलाया, कह रहे भाई इस बुद्ध वाले आदमी को बुलाओ, बाकी सबको बुलाओ। कहानी हो गई वहां। गुलाब सिंह जी सर, आपका हाथ उठा हुआ है, आप अपना वक्तव्य जो भी बोलना बोल के, और ना नीचे एक व्योमकेश विश्वास है, वो उनके कन्हैयालाल विश्वास जी के मित्र हैं, जो उसमें क्या बोलते मुंबई से हैं, वो कल कार्यक्रम में आएंगे, वो कार्यक्रम का पूछ रहे हैं, उसमें चैट बॉक्स में डाल देना सारी जानकारी, सबको मिल जाएगी। आप अपनी बात बोलो जो आपने हाथ हाथ उठा रखा है। हाँ मैं यही बोलना चाह रहा था कि वैसे तो कटके साहब ने जो है वो आज 24 सितंबर के बारे में बता दिया है, एक तो विशेष जानकारी यही देनी थी मुझे, लेकिन कटके साहब ने और ज्यादा विस्तृत रूप से जानकारी दे दी है। तो ये जिस तरह से हमारा कल एक संकल्प दिवस था, ये हमारा पूना पैक्ट हुआ था इस दिन, और बाबा साहब बहुत परेशान थे, एक तो ये है, और दूसरा आज जो है उत्तराखंड का दिन चल रहा है, विशेष दिन है, तो मेरा बर्थ प्लेस उत्तराखंड भी है, और उत्तराखंड होने की वजह से मेरा राइट बनता है कि मैं उत्तराखंड की तरफ से कुछ इंट्रोडक्शन अपने बारे में दूं, तो इसलिए मैंने हाथ खड़ा किया था। तो सुरेश चंदा जी हमारे बीच में संचालन कर रहे हैं आज, तो मैं पूरे उत्तराखंड में जहां जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं वहां जाकर काम करता हूं, छोटी छोटी मीटिंगें लगाता हूं, और उत्तराखंड से मुझे बड़ा लगाव है क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस भी है वह उत्तराखंड, और मेरा बहुत आना जाना लगा रहता है, और मैं वहां पर जाकर गांव-गांव में लोगों को रिश्तेदारियों में जब जाता हूं तो मेरा उद्देश्य वहां पर लोगों को जानकारी देने का होता है, और सब लोगों से मिलने में मुझे उत्तराखंड से अच्छा लगता है, बस यही कहना चाह रहा हूं, धन्यवाद, थैंक यू। लाभ सिंह जी आपका आज प्रपोज को एंकरिंग वाले उसमें ना 6-7 नामों में आपका इसलिए दिया था, मुझे पता था कि आप पीछे उत्तराखंड टाइम भी लगा के आए हो, तो कोई न कोई लगाव होगा आपका, आपने बताया है। कोई बात नहीं, बहुत 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 धन्यवाद सर, और आपका मार्गदर्शन भी समय समय पर मिलता रहता है। गुलाब सिंह जी आप बड़े भाई हैं हमारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मिलता ही रहता है। सर हमारे बीच में एक सुरेश जी, परिंद जी सर, सर ये मार्गदर्शन नहीं है तो खुद मार्ग है भैया, ये तो 25 साल से ये काम कर रहे हैं, 30 साल से ये खुद बहुत बड़े मार्ग हैं, इनको बुलाओ कैटर के लिए, ये आएंगे वहाँ पे आपके वहाँ। बिल्कुल सर बिल्कुल, मुझे वी द पीपल के प्लेटफॉर्म पर सर गुलाब सिंह जी ने ही जोड़ा है, और उनके कहने पर ही मैं जो है आया था, और अपने जो महाराष्ट्र रमेश कट के लिए वो हमारे एनसाइक्लोपीडिया है, कोई दिक्कत हो तो उनसे उनसे पूछ लो, वो फोन पे बता देंगे, वो बहुत महाराष्ट्र के बहुत सबसे जबरदस्त जानकार है महाराष्ट्र में वो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। गुलाब सिंह सर का ये सर
गुलाब सिंह सर का बर्थ प्लेस कहाँ है उत्तराखंड में? उत्तराखंड में सर, मेरा उत्तराखंड में जो पहले नैनीताल डिस्ट्रिक्ट होता था उसको डिवाइड करके उधम सिंह नगर बन गया है, और उधम सिंह नगर में एक तहसील है काशीपुर, और काशीपुर का एक गांव है हरिनगर। मेरा 67 में बर्थ हुआ था वहां, और मेरे फादर मुझे दिल्ली ले आए। उधम सिंह नगर तो यूपी में है ना अभी सर? नहीं सर, उत्तराखंड में है सर, उत्तराखंड में सर। और सर हमारे चंद्र बहादुर सर भी जो सचिव हैं अभी सीवी सिंह से, सीवी के नाम से जुड़े हुए हैं, सर भी उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं सर। मैंने उनका नंबर सेव कर लिया, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। हाँ सर से निवेदन करूंगा एक बार अपना वीडियो ऑन करें सर। यस यस, देखता हूँ सर मैं। परिहार जी अशोक कुमार जी को बुला लीजिए। अशोक बहुत जी, अशोक कुमार जी और अरुण कुमार दोनों को। अरुण कुमार जी और अशोक कुमार जी, वैसे सुरेश जी है, ये है एंकरिंग इनके उसमें है, या गुलाब सिंह जी होंगे। सुरेश कुमार जी बुलाओ। हाँ ठीक ठीक सर, मैं बुलाता हूँ सर। अशोक बहुत है, अरुण कुमार जी दोनों को। जी जी जी, आप बुला दीजिए मैडम, बुलाइए आप। उन्होंने लिंक भेजा था, उन्हीं के थ्रू में आज आप लोगों से जुड़ पाया। आप लोगों के इतने अच्छे विचार हैं जो मैं सुन पाया हूँ। आपका नाम नाम सुनाई नहीं दिया, आपका नाम बताइए, एक बार बता दीजिए फिर। मेरा नाम अरुण सिंह है, मैं गुड़गांव से हूँ, मारुति में जॉब करता हूँ। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मैम। अशोक, अशोक बहुत जी, अशोक बहुत जी आपको आवाज आ रही है तो अपना परिचय दीजिए। अपने पराठे साथ लाएं, जिससे अपने खाने हैं, और बाकी दो एक्स्ट्रा लाएं, चार के साथ। सब्जी काम आगे चलाइए, आई थिंक उनका भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हमारे बीच में उत्तराखंड से वीरेंद्र शाह जी जुड़े हुए हैं, जो चमोली जनपद से हैं। वीरेंद्र शाह जी, अब अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो आप आए और अपना परिचय दीजिए। वीरेंद्र शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं जय भीम नमो बुद्धाय सर, और अभी वर्तमान में रुद्रप्रयाग रतुड़ा में कार्यरत एक छोटा मोटा काम है उसमें काम कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। काफी समय हो गया, श्रीमान गुलाब सिंह जी ने मुझे यह लिंक दिया था। जय भीम ग्रुप में मैं बहुत पहले से राकेश शाह जी एवं गुलाब सिंह जी के सौजन्य से मैं जुड़ा, और वर्तमान में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं काफ़ी अपने नौजवान साथियों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। और नौजवान साथी एक्चुअल क्या है कि अभी बिना रोजगार होने के कारण अभी कहीं दूर जा रखे हैं, जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, इस वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। और जैसे ही ये मौसम ये अक्टूबर नवंबर हो जाएगा, नवंबर में हमारे सारे साथी जो हैं अपने घरों में आ जाते हैं, तो उसके बाद मैं अपने जो नौजवान साथी है उनसे नेटवर्किंग करूंगा। और काफ़ी मतलब अपने गांव में भी मैं काफ़ी प्रयास करता हूं, और पिछले 2014 से 19 तक मैं क्षेत्र पंचायत भी रहा, जनरल सीट से लड़ा था, और जनरल सीट मैंने मतलब जीत हासिल करी थी, तो उस समय भी मैंने काफी सरोकार किए थे। और आज वर्तमान में हमारे उत्तराखंड में अधिक से ज्यादा अंधविश्वास पर लोग जीतते हैं। काफी समय मैंने अपने ग्राम पंचायत के लिए दिया, और ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा मुझे कुछ ही समय पहले मैंने एक मंदिर के संबंध में बात करी थी, तो उस मंदिर के संबंध में मुझे गाँव वालों ने बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया, और प्रताड़ित इसलिए किया कि गांव वाले नहीं चाहते थे कि ये
जो हमारे समुदाय के लोग हैं ये हमसे अलग हो, और मैंने काफी प्रयास किया और हमने उनको उन लोगों से जो जनरल के लोग थे उनको उनसे अलग कर दिया है। और वर्तमान में हमारे भी काफी, हमारे ग्राम पंचायत में भी काफी लोग जो है हमारे लोग हैं, और वो भी अभी जो अंधविश्वास है धीरे धीरे उस अंधविश्वास से, मैं गुजारिश करता हूं कि मुझे जो भी समस्याएं आएगी, हमारे सुरेश चंद्र जी हैं, गुलाब सिंह जी हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब दिन रात सर बात करते हैं तो बहुत गदगद होता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय उत्तराखंड। सुरेश चंद जी, सर सर सुरेश चंद जी, जी जी सर कहिए सर। सर हमारे बीच में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी जुड़े हुए हैं, जरा उनको बुला लीजिए एक बार। हाँ सर बुलाइए, सर बुलाइए आप। माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी आप आए और अपने भी दो शब्द हमें अवगत कराएं। माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी। नमो बुद्धाय, जय भीम सबको। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जय भीम सब लोग, आज पूना पैक्ट दिवस है जो 24 सितंबर 1932 को हुआ था, जिसको मजबूरी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को स्वीकार करना पड़ा, और वो इतने दुखी थे, उनका मन ये था कि आज मैं इतना दुखी मन से समझौते को किया है, मेरा मन कर रहा है कि मैं बिजली के खंभे से चिपक के अपनी जान दे दूं। तो बाई चांस वो आज 24 सितंबर है, और लगातार हमारे समाज के लोग सब जुड़ रहे हैं, एक दूसरे को जुड़ने का एहसास भी कर रहे हैं, और अंधविश्वास और पाखंडवाद से बाहर निकल रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। और हमने तो 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने का लक्ष्य रखा है, उसके लिए रात दिन तैयारी चल रही है। कल मैं बड़ौदा में संकल्प भूमि में था, और अभी 26 तारीख को इलाहाबाद में बहुत बड़ी मीटिंग है, करीब 7-8 हज़ार लोग होंगे। तो लगातार ये प्रयास चल रहा है, और आप सब लोग डेली, कई महीनों से मैं देख रहा हूँ डेली शाम को 8 बजे से 12-1 बज जाता है, तो ये आखिर इतने लंबे समय तक फोन पे क्यों जुड़े हैं, जूम पे, मीटिंग पे, कहीं दर्द है मन में, और ये दर्द होना भी चाहिए। ये दर्द होगा तो ही हम अपने समाज को आने वाले जो खतरे हैं उससे बचाने की दिशा में मजबूती से एकजुट होंगे। तो आप लगातार कोशिश में हैं, आप सब लोग जुड़ रहे हैं, और कल मेरे निवास स्थान पे ही वी द पीपल की अपनी मीटिंग है समाज की, आप सब लोग आ रहे हैं, मैं आपके स्वागत में यहाँ तैयार मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भीम, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका। सिटिंग मंत्री के रूप में राजेंद्र जी पाल साहब, गौतम साहब हम सब के लिए एक नजीर है, एक उदाहरण है कि वो निडर होकर के, बेबाक होकर के, बहुजन मिशन के वैचारिक क्रांति को चरितार्थ कर रहे धरातल पर। सर आपको साधुवाद, नमन कोटि कोटि सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर कमीज पहन का आकर सर। जय भीम, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे निवेदन करना चाहूंगा, अगर जो भी साथी उत्तराखंड से जुड़े हैं कृपया अपना हैंड रेज करें, और इसके साथ ही मैं तुलसी मेहरा जी को आमंत्रित करूंगा। सर एक साथी विक्रम नाम से है, वो भी उत्तराखंड से जुड़े हैं, और मैंने उनको लिंक दिया, मेरा छोटा भाई है। हाँ जी बुलाइए सर, बुलाइए जी, बुलाइए आप। अगर विक्रम सिंह, विक्रम प्रसाद जी, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप कृपया अपना परिचय दें। विक्रम प्रसाद जी। हाँ बोल सकते हैं, म्यूट हो गया अंकल जी। अच्छा हेलो विक्रम जी, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अपना परिचय दें। जी हेलो, हाँ बताइए अपना परिचय दें आप। जी जय भीम नमो बुधाय। हाँ जय भीम नमो बुधाय सर। जी मैं उत्तराखंड से। हेलो आप बताइए सर, किस जगह से हैं, उत्तराखंड कौन सी जगह से हैं सर आप? जी क्या करते हैं? जी सर चमोली से हूँ सर, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं सर। हमारे
विक्रम जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और रोज मीटिंग से जुड़े वी द पीपल, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम सब के लिए, और खास तौर पर उत्तराखंड में जो आपने देखा होगा एक बड़ी पीड़ा है उत्तराखंड के लोगों के अंदर, आप आइए अपने साथियों को भी लेकर आइए, अपने उसमें सबको जोड़िए, और अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए सर, मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए सुरेश चंद जी। एक एडवोकेट अवतार कृष्ण भी जुड़े हैं उनसे, पंजाब से, उनसे भी मुखातिब होइए। आ जी जी एक मिनट सर, सर मैं आम मैं निवेदन करूंगा तुलसी महाराज की, तुलसी महाराज त्रिभुवन जी अपना माइक जरा प्लीज बंद कर लीजिएगा, डिस्टरबेंस हो रहा है। आदरणीय बड़े भाई तुलसी मेहरा जी, आवाज नहीं जा रही, आप आए सी मेहरा जी कहीं और बिजी लग रहे हैं, ये पंजाब से हैं एडवोकेट अवतार कृष्ण जी, इनसे मीनवाइल इनको ले लीजिए। जी आदरणीय एडवोकेट अवतार किशन जी आप आए और दिखाई दे रहा है, परिचय दीजिए सर। संजीव जी पंजाब से हो रहे हूँ, आप करा दो। जी जी हेलो हेलो, आवाज आ रही सर? जी आ रही सर, आ रही। हाँ जी, जय भीम जय भार सर, सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं पंजाब से हूँ और मुझे प्रैक्टिस करते हुए मैं एडवोकेट हूँ, पंजाब के फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जो फिरोजपुर की तरफ है, बॉर्डर की तरफ उस एरिया से। तो मैं 20 साल से 21 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ लॉ की, तो मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने पहले भी एक दो बार इस मीटिंग में ज्वाइन किया था, मैंने हेलो ये त्रिभुवन जी है, उनका माइक से आवाज आ रही है बार बार, वो बंद कर दें जरा। हेलो जी, मैं पहले भी इस मीटिंग में जुड़ा था एक दो बार, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल पाया, और मैंने एडवोकेट से भी कोशिश की जुड़ने की, लेकिन मैं जुड़ नहीं पाया, क्योंकि मुझे लगता है कि जब बहुजन समाज पार्टी का नाम आ जाता है तो शायद कुछ लोग हिचकिचाते भी हैं कि इनसे क्यों बात करवाई जाए या करवाई जाए। मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मुझे ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, शायद इनको समझ मतलब पसंद नहीं आया कि बहुजन समाज पार्टी के लोग भी जो है वो इस मीटिंग में जुड़ना पसंद करते हैं। तो मैंने अभी मैंने जुड़ा था, मैं 8 बजे तो मैंने अपना परिचय भी दिया, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं कर किया। तो फिर मैंने सुधीर राज जी का एक जो स्पीच जो उनका इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो 9 बजे शुरू हुआ, मैंने जुड़ा और 9:30 बजे तक मैं इस मीटिंग में रहा, उनका पूरा अधिवक्ता सुना मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे जानना भी था कि विद द पीपल्स के लोग क्या करना चाहते हैं, क्योंकि मिशन तो एक ही है कि बाबा साहब जी को का मिशन जो आगे लेके जाना है, साहब श्री कांशीराम जी का मिशन आगे लेके जाना है, तो हम भी लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं 20-21 सालों से। मेरी उम्र 43 है, लेकिन मैं अपने बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हमारे फादर साहब जो थे वो भी तो बाम सेफ में काम करते थे, और हम तभी से जुड़े हुए हैं। मैं 21 साल की उम्र में एडवोकेट बना और तभी से मैंने इस मिशन में काम करना शुरू किया, तो अब भी कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन आएगा जब हमारी सत्ता इस भारत में होगी, हमारे बहुजनों की सत्ता इस भारत में होगी, उसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि एक ही मिशन है, बाबा साहब का मिशन है जो हम पूरा करना चाहते हैं। और आप सभी का धन्यवाद जो मुझे टाइम दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप पंजाब के लोगों को इतना इनकरेज नहीं करते हैं, तो मुझे लगा कि मैं शायद नहीं अपनी बात रख पाऊंगा। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे चंडीगढ़ के एडवोकेट जी जिन्होंने अभी इंट्रोड्यूस करवाया, तो एक तुलसी मेहरा जी का जो मुझे इंट्रोड्यूस करवाया जिन्होंने, तो मैं आप सभी का धन्यवाद। हम आपसे जुड़ते रहेंगे और हम जोड़ेंगे भी लोगों को, तो ताजो बहुजनों की सत्ता इस देश में हम ले पाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी
जय भीम। आज अवतार सिंह, अवतार कृष्ण जी, आज तो पंजाब का दिन है तो कैसे आपको चांस नहीं देंगे? आपको तो हमेशा चांस देंगे हम, हमेशा बोलने के लिए। जी धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। और देखिए आप, और अवतार जी आप, एक सेकंड अवतार जी, आपको ये कहां से ऐसा लगा कि बहुजन समाज पार्टी वालों को कोई यहां पे बोलने नहीं देगा? मैं भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ था, सभी को पता है, अभी भी मेरा नाम बहुजन समाज पार्टी के रजिस्ट्रो में है, तो सभी साथी जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी का मंच है, सभी भारत के समण समाज के लोगों का मंच है, यहाँ सभी का वेलकम है। आप कोई कभी भी ऐसी अपने मन में शंका मत रखिए, बाकी साथियों को भी आप लेके आइए। हम तो पंजाब से बोल बोल के थक गए पिछले 3 महीने से। मैंने जितने भी होशियारपुर की टीम्स हैं, फगवाड़ा की टीम्स हैं, यूथ को बोल बोल के, तुलसी मेहरा जी को हमने बोल के ग्रुप्स बनाए हैं, परंतु पंजाब के ही लोग जो हैं वो कुछ हिचकिचा रहे हैं, या उनके अपने ही मिशन के इतने अलग अलग उन्होंने संगठन बना रखे हैं, वो वी द पीपल के मंच पे आ नहीं रहे हैं। तो ये विडंबना है। तो आप, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप खुद बीइंग एडवोकेट और बीइंग लीडर, आप ये कमान संभालिए और पंजाब के लोगों को भी एक्टिवली वी द पीपल के मंच पे लेके आइए, सो कि पंजाब के साथ साथ बाकी देश के लोग भी आपके साथ जुड़ सकें। धन्यवाद। आप अपना नंबर भी शेयर कर दीजिएगा चैट बॉक्स में। और यहाँ पे लीगल फ्रेटर्निटी है, अभिषेक राज जी हैं, उनका नंबर आप ले लीजिए, अपना नंबर शेयर कर दीजिए, आपको लीगल फ्रेटर्निटी में जोड़ लेंगे। तो एडवोकेट का ग्रुप है जो कि पूरे भारत के एडवोकेट्स हैं यहाँ पे, तो आपको उसमें ले लिया जाएगा। नहीं संजीव जी, संजीव जी एक मिनट, मैं भी इनसे थोड़ा सा बात करना चाह रहा था। अवतार सिंह जी, जी जी, एक तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब जुड़ते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरा, आपने ये कहा है कि इतना साल हो गए बीएसपी में, मिशन हम बाबा साहब का पूरा जो भी आप कोशिश में लगे हैं, तो ये इतना टाइम बहुत सारे बीएसपी भी है और पार्टियां भी है, बहुत सारे सभी संगठन वाम से सब बात करते हैं, तो ये क्यों नहीं हो रहा? उसका कोई रीजन ढूंढे ना, क्या रीजन है कि मिशन पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? जी वैसे एक बात और भी बता दें, यहाँ पॉलिटिकल एक दिन होता है, पॉलिटिकल जो हस्तियां उनको बुलाते हैं, उनसे क्वेश्चंस करते हैं, उनको पूरा मौका देते हैं अलग से भी। जी तो ये ऐसा कुछ नहीं है, सभी आते हैं आप, चलो आज आपको पता चल गया है कि यहाँ कोई ऐसा है नहीं। प्रियार जी, जी जी धन्यवाद। अगर इन्होंने पॉलिटिकल के हिसाब से आना है तो जिस दिन हमारी पॉलिटिकल की मीटिंग होती है उस दिन आए, एडवोकेट्स के हिसाब से आना तो एडवोकेट्स की अलग मीटिंग है, और आम आदमी के हिसाब से आना है तो आम आदमी के लिए रोज रोज प्रोग्राम है, रोज आए, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। जी आप जिसमें बुलाना चाहें सर, उसमें उसमें आ जाएंगे, कोई बात नहीं। हम आम आदमी, आपका मन जैसे भी करे, एडवोकेट भी है, कोई बात नहीं। नहीं पॉलिटिकल की मीटिंग होती है उसमें आए, पूरी बहस होगी, आपके साथ पूरी बहस होगी, सभी सभी पार्टियों के नेता आते हैं। जी जी धन्यवाद सर, कोई बात नहीं, आएंगे हर रोज भी आएंगे कोशिश। अमरदीप मैडम, मेरी आवाज आ रही है तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अमरदीप मैडम आप अपना परिचय दीजिए। जय भीम नमो बुधाय। मैं तो काफी देर से जुड़ी हूँ, 3 महीने हो गए, 3-4 महीने, तो बीच में ना थोड़ा सा अपना काम था मेरा, अपना स्टडी का रिलेटेड, जिसके कारण मैं आ नहीं पाई ग्रुप में, तो आज काफी दिन बाद मैंने देखा कि पंजाब की भी है, तो एक बार पहले भी पंजाब की मीटिंग थी तो तब भी मैं आई थी, लेकिन मौका नहीं मिला बोलने का। जी जी, कोई बात नहीं, बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारे, मैं और भी, हमारे पंजाब में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वहां पर आज हमने नया ट्यूशन सेंटर खोला है, माता सवित्री बाई सोशल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है पठानकोट की, जी, तो जी, नया ट्यूशन सेंटर खोला है, वहां पर गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उनको ट्यूशन दी जाएगी, उनको मोटिवेट किया जाएगा आगे पढ़ने के लिए। जी, एक और सोसाइटी है सतगुरु रविदास सोशल वेलफेयर सोसाइटी, वहां पर भी ट्यूशन सेंटर है 3-4, एक और नया खोलने जा रहे हैं, यानी कि सारे जागरूक करते हैं, एक प्रबुद्ध भारत
क्या ग्रुप है जहाँ पर वोमेन है वो भी नया ट्यूशन सेंटर खोलने जा रही है ताकि लोगों को पढ़ने के लिए जागरूक किया जाए, मोटिवेट किया जाए। तो जो भी हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं चाहे प्राइवेट स्कूल में लगे हुए हैं तो वो बाबा साहिब के बारे में और अपने जो जितने भी एजुकेशनिस्ट हुए हैं, रहबर हुए हैं, उनके बारे में बताएंगे ताकि बच्चों को, बीच में मैं भी जाया करूंगी बच्चों को पढ़ाने के लिए, और भी हमारे जितने भी एम्बेडेड सिस्टर्स ब्रदर्स हैं वो भी वहाँ पर बच्चों को एजुकेशन देंगे, बाबा साहिब के बारे में पढ़ाएंगे। जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में हैं, टेंथ क्लास में पढ़ते हैं, उनको स्पेशली देखा जाएगा। अभी स्टार्टिंग है, उसके बाद देखते हैं और भी बच्चे आएंगे तो उनको भी साथ में जोड़ेंगे ताकि जो हमारा यूथ है, जो भी एडोलेसेंट्स में हैं, वो कई गलत हैबिट्स में, रॉन्ग हैबिट्स में चले जाते हैं, जैसे नशा करना और कई तरह की गलत आदतें होती हैं, तो वो उस तरफ ना जाएं ताकि पढ़ने की तरफ जुड़ें और समाज के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, परिवार के बारे में सोचें, कुछ गलत ना करें, अच्छा करें। बाबा साहिब की सोच जब आ जाएगी ना मन में तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही करेगा हर कोई। आप अपना वीडियो भी सर बोल के गए अभी। नहीं मैं वीडियो नहीं ऑन कर सकती, अंधेरे में बैठी हूँ अभी। तो आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी मैं एक कॉलेज, पहले मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ। हाँ जी, मैं काफी देर से जुड़ी हूँ, 4 महीने। हाँ जी हाँ जी, मैं कॉलेज में बीएड कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो अभी पीएचडी कर रही हूँ, तो फिर वही काम था मेरा भी। स्टार्टिंग क्या, अभी मिड में पहुंची हूँ, तो सिनॉप्सिस वगैरह बनाना होता है ना, तो उसमें बिजी थी, इसलिए 1.5-2 महीना हो गया मेरे को कि मैं अटेंड ही नहीं कर पाई मीटिंग। तो कुछ प्रोफेशनल ग्रोथ करने के लिए थोड़ा कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है, टाइम ज्यादा लग जाता था तो मैं मीटिंग ही नहीं अटेंड कर पाती थी। तो वैसे मेरा साइकोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है, चाहती हूँ कि बच्चों के बारे में पता चले, उनकी साइकोलॉजी का पता चले मुझे कि वो क्या चाहते हैं। मेरा भी वैसे जो भी रिसर्च वर्क होगा वो एडोलेसेंट पे ही होगा कि वो क्या प्रॉब्लम है जिनके कारण वो पढ़ नहीं पाते, यही कुछ है, सही रिलेटेड टॉपिक होगा, ताकि फिर उन बच्चों का उसके लिए सलूशन भी फाइंड आउट करूंगी बाद में जी। तो सोचा तो अच्छे के लिए है। तो वैसे बाबा साहिब से तो बचपन से जुड़े हैं, पेरेंट्स ने सिखाया था कि हमें, हम हैं तो बाबा साहिब के कारण, अदरवाइज ना होते वो, तो मुझे पता चल गया कि अगर बाबा साहिब ना होते तो अब तक किसी घर में काम कर रही होती, उठा रही होती, या फिर आजकल जो कुछ लड़कियों के साथ हो रहा है वो हो गया तो मर भी गई होती। पर एक एजुकेशन है जिसने मुझे खड़ा कर रखा है, बहुत कुछ लाइफ में देखा है, अभी मैं, मेरी एज भी 42 हो गई है, तो लाइफ में काफी कुछ ऐसा देख लिया है क्या होता है। हम पढ़ भी गए हैं लेकिन जो शब्द दलित है, जहाँ ऐसी है, ये शब्द लोग नहीं हटाते और फिर कहते हैं कि ऐसी पढ़ते नहीं है, ऐसी भी कई तरह की बहस हो जाती है अपने स्टाफ में भी, क्योंकि उनको पचता ही नहीं है। तो कई लोग तो मुझे देख के कहते हैं कि ये ऐसे ही है नहीं, इसको कुछ नहीं आता, लेकिन जब फिर फंस जाते हैं ना तो फिर उनको आमद ही भी याद आती है कि हाँ मैडम इसका क्या काम करना है, इसको कैसे करना है। तो मैं विश्वास करती हूँ काम करके दिखाने में, बोलने से क्या होता है, कोई कुछ भी रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आपके विचार बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं औरों को भी। अभी एक भाई बोल रहे थे कि यहाँ पर जो भी जुड़े हैं इतनी 12 बजे 1 बजे तक मीटिंग होती है तो वो अटेंड करते हैं, तो उनके दिल में है कुछ, तो बाकी हम, हमारे दिल में है कुछ जो हम ऐसे जुड़े हैं, तो कि हम इतना सहा दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लोगों ने बहुत कुछ सहा है और सह रहे हैं अभी भी, तो देख के दुख होता है, आंखें नम हो जाती हैं कि पर कई बार हम मजबूर हो जाते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत बुरा लगता है यूपी में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, तो मन तो बहुत दुखी होता है, पर समझ नहीं आती कि हम करें क्या, हमारे हाथ में नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, जिनको ये ऐसे कंजके करते हैं, देवियां मानते हैं, तो ये देवियां नहीं होती क्या, ऐसी समाज की लड़कियां देवियां नहीं होती? बिल्कुल
तो वो भी तो देवियां ही हैं, भगवान ने तो ऐसे सतगुरु कबीर साहिब जी की बात है कि अगर कोई मान करता है कि मैं ऊंची जाता हूँ तो वो किसी और रास्ते से क्यों नहीं पैदा हुआ, सारे एक जैसे ही पैदा होते हैं। अमरदीप जी मैडम जरा शॉर्ट करिए प्लीज, और बहुत सारे लोग इंट्रोडक्शन के लिए। ओके जी ठीक है जी, ओके जय भीम। अपना नंबर डाल दीजिए बहन जी, परियार आगे कंटिन्यू करें। परियार साहब जो गुलाब सर है ना उनको पता है मेरे बारे में। अच्छा गुलाब सिंह है, बोलिए। हां जी सर, कई लोगों के सर। परियार साहब दिल्ली से सुधीर कुमार जी बहुत हमारे बहुत आप बोलो ना, बुलाओ आप जो भी है। सुधीर जी, सुधीर जी हमारे आईटीआई में टीचर हैं दिल्ली में और बहादुरगढ़ रहते हैं, मैं उनको बुलाता हूं परिचय करने के लिए। सुधीर जी प्लीज आए, हरियाणा से है वैसे। सुधीर जी सुन रहे हैं? जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ सुधीर कुमार मेरा नाम है और मैं डिपार्टमेंट ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली में नौकरी करता हूँ, और आईटीआई जाफरपुर में फिलहाल पोस्टिंग है, और बहादुरगढ़ मेरा रेजिडेंस है जी। तो हम कुछ सोशल एक्टिविटी भी करते हैं नौकरी के साथ साथ में जी। तो हमने भी एक जो ना कोचिंग सेंटर आया हुआ है जिसमें हम फाइनेंशियली जो वीक बच्चे हैं समाज के उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं, SSC की बेसिकली जी। और उनके साथ में कुछ हम चाहते हैं कि भी जो और जो लोग हैं उनको भी हम जिस प्रकार की भी हेल्प हो सके समाज के लोगों की, वो हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं काफी समय से। और गुलाब सिंह जी हमारे पुराने साथी हैं, पहले मेरे साथ में ही थे जाफरपुर में, तो आज पहली बार मैं जुड़ा हूँ वैसे मीटिंग से, बाकी किसी कारण से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था क्योंकि आपकी मीटिंग 8 बजे स्टार्ट होती है और 8 बजे मैं टाइम पे घर पे था, तो आज मैं जुड़ा और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, और कोशिश यही रहेगी कि मैं डेली इसमें जुड़ूं, और शुभकामनाएं आप सभी को, धन्यवाद। आप जुड़े और बहुत अच्छा लगेगा आपको, और हरियाणा के बहुत सारी हमारे साथी हैं, आपसे उनका इंट्रोडक्शन भी होगा, पूरे देश वाले लोग जो हैं उनसे आपका परिचय होगा, आप जुड़े सुधीर जी, धन्यवाद। साथियों अगर पंजाब से अभी कोई वो भी अपने हैंड रेज कर सकते हैं, बताइए कोई बाद में गिला शिकवा ना रह जाए, भी पंजाब के लोग रह गए पीछे। जी 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 दो लोगों का हैंड रेज है सर। जी जी मीनवाइल रघुनाथ जी हैं और KP सिंह जी, आप वन बाय वन बोलिए। रघुनाथ जी जय भीम नमो बुद्धाय सर। मैं रघुनाथ अहिरवार भोपाल से बोल रहा हूँ सर, मैं अगले 7-8 दिन से डेली पर डे जुड़ता हूँ संघ में, और सर CL बोध जी जुड़े हुए हैं हमारे बीच में होशंगाबाद से, उनका परिचय दे लीजिए सर। जी जी बुला लीजिए उनको। CL बोध जी, CL परिचय दे, CL बामोरिया बोध जी। सुन पा रहा सर? चलो मीनवाइल KP सिंह जी का ले लेते हैं, उनका भी हैंड रेज है। तो दिल्ली से प्रभात जी हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। दिल्ली से प्रभात जी। जी 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 KP सिंह जी के बाद ले लेते हैं। KP सिंह जी हैंड रेज किया हुआ आपने, कोई नेक्स्ट? मनीषा जी का है, अभी एक साथी और थे जो बीच में रह गए हैं, मिस्टर प्रभात जी वो भी आ जाए। प्रयार जी KP सिंह जुड़े हैं एक नए। बोल रहे हैं हैंड रेज है, वो आ तो नहीं रहे। बोलिए बोलिए KP सिंह। KP सिंह हाँ आ गई उनकी आवाज। KP सिंह जी बोल रहा हूँ। जी जी, जी। तो क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ग्रुप के सभी सदस्यों को नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। सभी
साथियों से मिलकर के बड़ा मन प्रफुल्लित हुआ कि आज हमें सभी के वक्तव्य को सुनने का मौका मिला है और अपनी बात कहने का भी मौका मिला है। तो हमारे बीच अपने समाज को संगठित करने की जो विचारधारा चल रही है उसके बारे में मैं दो चार शब्द कहना चाहता हूं और अपने सभी साथियों के वक्तव्य को सुनना चाहता हूं और उससे कुछ सीखना चाहता हूं। मैं अलीगढ़ यूपी से केपी सिंह, शिक्षा विभाग में कार्यरत हूं और जिला कासगंज में पोस्टेड हूं। हमारे बीच एक बात उभर कर आ रही है और हम उसके लिए सभी प्रयासरत हैं कि एक हो आवाज तभी होगा हमारा राज, मजबूत हो हमारा सारा का सारा समाज। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी हमारे अंबेडकरवाद को कामयाब और सफल बनाने के लिए जो अंबेडकर जी के विचार थे उनमें अंबेडकर जी का मत था कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को समानता, बंधुता एवं सामाजिक न्याय की सहायता प्राप्त होनी चाहिए। और आजकल आप देखने को मिल रहा है कि हमारे समाज को कितनी सहायता प्राप्त हो रही है, कितनी समता प्राप्त हो रही है और बंधुता का कितना मजबूती से हमें वर्णन देखने को मिल रहा है। और अगला जो पॉइंट है वो है कि अंबेडकर जी का जो दर्शन था वो था कि जनता के लिए हो। केपी सिंह जी, आपका कैमरा लाइव से ठीक से रोक तो लो। जी सर, एक बार फिर पुनः प्रयास करता हूं। सर से टेबल पर कहीं टेक दो, हाथ में मत पकड़ो। बोलिए। तो मैं आगे अगले पॉइंट पर चलता हूं कि हमारा जो अंबेडकरवाद है वो हमें यह सिखाता है कि हमारी जो सरकार है वो एक ऐसी सरकार हो जो हमारे देश के हित में पूरी निष्ठा से काम करती हो और अपने समाज के प्रति पूरी निष्ठा रखती हो। हमारा संबंध, हमारा व्यवहार आपस में समानता रखने वाला हो और उस समानता के साथ साथ पर्याप्त ध्यान हमारे समाज के द्वारा हमारे समाज के व्यक्तियों का रखा जाना हो। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि हम आजकल हिंदूवाद में बहुत फंसे हुए हैं, तो हिंदुत्व का जो ढांचा है उसमें दलित का कोई स्थान नहीं है। अभी आप पंजाब की पृष्ठभूमि में देख सकते हैं कि जहां हिंदूवाद की भावना होती है आज वहां दलित मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। बाकी सभी आप लोग समझदार हैं, जागरूक हैं। समय कम होने के जी, जी सर, केपी सिंह जी सर, मैं आधे मिनट के लिए आपको रोकना चाह रहा हूं। जी, कि आप बात तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें आप भी चेंज होना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे? आप चेंज होना चाह रहे हैं जब भी तो ये बात बोल रहे हैं, लेकिन आपने पीछे सर तस्वीर किसकी लगा रखी है? किसमें, कहां सर? स्कूल होगा, स्कूल है, स्कूल में रह रहे हैं ना? नहीं नहीं सर, मैं तो अपना अलग रहता हूँ रूम में, स्कूल में नहीं रहता हूँ, अलग मेरा प्राइवेट रूम है। अच्छा जी, हाँ। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, वो नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो हम आज तक शिक्षित तो बन गए और अपने समाज को एकजुट करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए संघर्षरत भी है, लेकिन दुख इस बात का हो रहा है
कि अभी तक हम संगठित नहीं हो पाए। मैं देखता हूं कि आए दिन एक न एक नया संगठन एक नया रूप ले लेता है, तो सभी से मेरी ये अपील है, ये प्रार्थना है कि सभी एक मंच पर आए, एक साथ आवाज उठाएं, एक साथ जुड़ जाएं, एक साथ जीते। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। केपी सिंह, अपने अपने बारे में बता दो, इतना एडवाइस देगा, आप क्या कर रहे हो? जी सर, मैं आपने इतनी सलाह दे दी, आप क्या कर रहे हो इस बारे में? हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं जी? हम ये कह रहे हैं कि आज के समय में अपना समाज जुड़ा रहे और समाज को जोड़ने का काम करें। केपी सिंह जी, आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। मैं सर टीचर हूँ, कासगंज डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। नहीं नहीं, अपना समाज बनाने के लिए, जोड़ने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं ये बताइए। आपके प्रयास, हम अपने समाज को जोड़ने के लिए लोगों से बातचीत कर रहे हैं, एक मंच पर आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लाना चाह रहे हैं। जो 15% जनसंख्या है जो हमारे ऊपर शासन कर रही है, हम 85% जनसंख्या का शासन लाना चाह रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, एकजुट होंगे, कारण बता रहे हैं, उनका निराकरण कर रहे हैं, उन्हें उपाय बता रहे हैं। मंच कौन सा है? मंच कौन सा है? आज तो पहला दिन है भाई इनका, आज पहली बार जुड़े हैं अभी यहाँ से। कुछ सीधा संवाद कर रहा हूँ आपसे, अपने मन की बात अपने समाज के व्यक्तियों से नहीं कह सकता। कोशिश करो जोड़ने की, केपी सिंह जी कोशिश करो जोड़ने की, ठीक है जी सर? ओके, धन्यवाद। थैंक यू केपी सिंह जी। बाकी सभी साथियों से अनुरोध है, कोई भी नया साथी आए उनसे थोड़ा इतना भी ज्यादा इंटरोगेटिव क्वेश्चन मत पूछिए। ठीक है, वो कर रहे हैं, अभी पहली बार जुड़े हैं, उनको बताने की जरूरत है, जागरूक वो कर ही रहे हैं, वो खुद भी जागरूक हैं। केपी सिंह जी, आपको बताएं, जिस मंच पे आप आए हैं, जो आपकी व्यथा है, जिसके लिए आप कार्य करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, ये मंच ऑलरेडी उसी दिशा में कार्यरत है। यहाँ पे सभी समाज के लोगों को इकट्ठा करके एक दिशा में चलने का आह्वान किया जा रहा है। ये भारत के समन समाज के लोगों का मंच है, ओपन मंच है, किसी के लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो आप यहाँ पे बने रहिए, आप अपने विचार शेयर किए, बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ पे आपको बहुत सारे नए साथी मिलेंगे जो आप ही की तरह सोचते हैं और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। आप बने रहिए और रेगुलर जुड़िए, ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। संजीव जी, सतपाल सिंह भैया जी हैं, उनका भी हैंड रेज है, तो उनसे कभी उनसे भी ले लीजिए इंट्रोडक्शन। अभी तो मेरे को स्क्रीन पे मनीषा निगम दिख रही हैं। नहीं, स्क्रीन पे नहीं, उन्होंने हैंड रेज नहीं करना आ रहा, उन्होंने धीरे से करा था, मैंने अभी देखा है। बुला लीजिए मैम। सतपाल सिंह भैया जी आइए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार जी सभी को, जय भीम नमो बुधाय। जय भीम नमो बुधाय। मेरा नाम सतपाल सिंह भैया है और मैं HSVP हरियाणा से एज ए चीफ इंजीनियर रिटायर हुआ था मार्च में, और सतप्रकाश परिहार जी ने हमारे को इस मंच पे जोड़ा है। वैसे हमने अपनी नौकरी में कोशिश तो बहुत की थी। हेलो, बोलिए बोलिए। तो बस अब हम तो आपके साथ ही चले हैं, जब कुछ हो जाए, हो चाहे ना हो। ये किसी साथी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कीजिए। मनीषा मैम का है। तो हम सतप्रकाश जी परिहार जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें इस मंच पे जोड़ा, मेरे को और मेरी मिसिस दोनों को जोड़ा है जी। और अब से हमें इस वी द पीपल में जुड़ चुके हैं और लगभग डेली आप लोगों के विचार सुनते हैं और कोशिश करेंगे कि हम भी आगे दो चार आदमी को और जोड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर वगैरह शेयर, चैट बॉक्स में सर आप अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा प्लीज। मैडम मनीषा का हैंड रेज है, वो भी अपना माइक खोल के विचार शेयर कीजिए। सभी को जय नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम मनीषा निगम है, मैं दिल्ली तिलक नगर से हूँ और आज इंट्रोडक्शन करने के लिए स्पेशली मैंने हैंड रेज किया है क्योंकि मैं बताना चाहती थी, मैं भी उत्तराखंड से हूँ, मेरा बर्थ प्लेस भी उत्तराखंड से है। मैं एक संख्या बढ़ाने के चक्कर में थी कि चलो उत्तराखंड की एक संख्या बढ़ा देती हूँ, तो इसीलिए सर उत्तराखंड का नाम लेके ना कुछ
एक अजीब सी खुशी होती है क्योंकि वो मेरा बर्थ प्लेस है, लेकिन अब है बेशक मैं दिल्ली में रही हूँ, अब जैसे उत्तराखंड का नाम आता है तो मुझे ऐसा लगता है हाँ मैं उत्तराखंड पहुंच गई हूँ। तो सिर्फ यही है मेरा बर्थ प्लेस, मेरी एजुकेशन कुमाऊँ यूनिवर्सिटी से है और फिलहाल मैं अब दिल्ली में हूँ। और अभी जो हमारे एक सर जो बात कर रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी सी स्पीच दी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। उन्होंने आडम्बर पे भी और अंधविश्वास पे भी बहुत अच्छी अच्छी सी बात की थी। सर का मैं नाम भूल गई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो अभी टीचर थे केपी सिंह जी, मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स कहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया। लेकिन मार्गदर्शन करना बहुत उतना ही मुश्किल काम है, तो थोड़ा सा ना अपने पे भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। स्पीच देने के लिए तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन उस पर खुद को इम्प्लीमेंट करते हुए तब आगे बढ़ना चाहिए तो अच्छा होगा। वो पीछे जो फोटो थी वो श्री कृष्ण भगवान जी की थी मटकी पे वो खाते हुए, कोई बात नहीं मटकी में से उन्होंने खा लिए दही वही जो भी है, अब मटकी से ही तुमको निकाल दे तो ज्यादा अच्छा होगा। और बाबा साहब के विचारों पे चले, उनकी विचारों को घर घर तक पहुंचाए, बस मैं यही कहना चाहती थी। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। सागर राम ने कहा बर्थ प्लेस है मैडम का? सागर राम जी सर, मैं काशीपुर कुंडेश्वरी काशीपुर उत्तराखंड, जो अब उधम सिंह नगर है रामनगर के पास। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर। ये नीम राकेश कुमार नीम जी, ये सागर राम जी है राजस्थान पुलिस से, वो भी अपना परिचय दें प्लीज, अगर आवाज उन तक आ रही है तो। सागर राम जी राजस्थान से।